अरे दीनू काका लाओ हम उठा ले थे। अरे नहीं रे बेटा, ये तो प्यार का बोझ है, आज दुख तो कल सुख। लाते भाई लाते। तुम धन्य हो दीनू काका, इस उम्र में इतनी मेहनत मजूरी करके किशोर बाबू का डॉक्टरी पढ़ा रहे हो, ये तुम्हारी हिम्मत है। अरे चाचा आज मेहनत कर रहे हैं, कल बेटा डॉक्टर बन जाएगा ना तो चाचा की चांदी है। दीनू से दीनानाथ, दीनानाथ से श्री दीनानाथ बनते देर नहीं लगेगी, संदूक भर भर नोट रखेंगे। ये तो ठीक कहा था। अरे बेटे तुम दोनों मुंह रखो, तुमने दीनानाथ को पहचाना नहीं। अरे दीनानाथ को इंसान से प्यार है, रुपयों से नहीं। देखना जब मेरा किशोर डॉक्टर बन के आएगा ना, तब गांव भर के इलाज मुफ्त में करेगा। ये तुम्हारे विचार हैं दीनानाथ, अगर किशोर बाबू नहीं माने तो? कैसे नहीं मानेगा सेठ जी, उसकी रगों में किसका खून है। अरे पुरानी कहावत है ना कि बाप का बेटा सिपाही का घोड़ा, कुछ भी नहीं तो थोड़ा थोड़ा। तुलसी रानी, ओ महारानी। बस घर में पाव रखते ही बच्चों की तरह चिल्लाना शुरू कर दिया। बताओ इतनी देर क्यों लगाई, कम से कम समय पर खाना तो खा लिया करो। अरे दो एक साली की तो बात है, बस अपना किशोर डॉक्टर बन के आएगा, फिर काम ही क्या, खाना ही खाना। तुम फटाफट खाना तो मैं फटाफट खा लेता। पहले हाथ मुंह तो धो लो। अरे शन्नु चल तू भी खाना खा ले। आई चाची। बेटी तूने अभी तक खाना नहीं खाया। चाचा जब तक तुम नहीं खा तो मैं कैसे खाऊं। ठीक ही तो है, तुम्हारी होने वाली बहू अपने होने वाले ससुर के पहले कैसे खा सकती है। चाची। तुलसी भाभी। कौन खड़ा थी? अरे बाहर क्यों खड़ा, अंदर क्यों नहीं आता? बोल। चिट्ठी। तुलसी का नाम? नहीं तुम्हारे नाम। तो घर वाले का नाम क्यों ले रहा था? ऐसे ही। अरे पराय औरत का नाम लेना मजाक है। कहाँ से आई है चिट्ठी? चिट्ठी और कहाँ से आती, डाकखाने से आई है। ओहो तो मुझे भी मालूम है, लेकिन लिखी किसने है? तुम्हारे लाडले बेटे किशोर ने। तुम्हारे नहीं, हमारे लाडले बेटे ने। अरे शन्नू जरा इसे पढ़ तो क्या लिखा है। लिखा क्या होगा, यही लिखा है कि पैसे भेजो वरना काले से नाम कट जाएगा। हाँ यही लिखा है। पैसे की जरूरत होगी तो लिखेगा ही। मैंने कब कहा कि न लिखे, लेकिन साथ साथ ये भी तो लिखे कि लिखाई पढ़ाई कैसी हो रही है, माँ कैसी है, बाप कैसा है, होने वाली पत्नी कैसी है ना। ये सब लिखने बैठेगा तो डॉक्टर ही कौन पड़ेगा। तुम पहले बताओ तुम पैसे भेज रहे हो या नहीं। क्या बात कर रही हो तुम, कभी ऐसा हुआ उसने पैसे मांगे और मैंने नहीं भेजे? और ये मत भूलो शन्नो की माँ को जो मैंने वचन दिया था वो मेरे लिए सबसे बड़ा धर्म है। आज भी मेरी आंखों के सामने उसकी लाचार और बेकसूरत मंडला रही है कि जब मरते वक्त उसने मुझसे कहा था, भैया किशोर को लिखा पढ़ा कर डॉक्टर बनाना ताकि आज के बाद इस गांव में किसी की मौत सिर्फ इसलिए ना हो कि इस गांव में डॉक्टर नहीं है,
अगर चाहो तो इस नए काम के लिए मेरे खेत भी बेच देना। नहीं नहीं शन्नु की माँ, ऐसा मत कहो। भगवान पर भरोसा रखो शन्नु की माँ। मेरा समय आ गया है, तुम्हारे मित्र के चरणों में जाने वाली हूँ। शन्नु के लिए तुम ही सब कुछ हो, इसे अपनी बेटी समझना। मुझे वचन दो कि जब ये बड़ी हो जाएगी तो इसे बहू स्वीकार करोगे। वचन दो भैया। भगवान के दया से अब उसकी अंतिम इच्छा पूरी होने में ज्यादा देर नहीं। खैर बेटी, कितने रुपए के लिए लिखा है? 200। क्या सोचने लगे? कुछ नहीं, खाना तो बहुत काम है। किशोर बाबू, आपका मनी ऑर्डर। माया, अरे बंधु, कितने रुपए लाया? 200। 200? छी छी छी, इतने बड़े जागीरदार का बेटा और सिर्फ 200 रुपए का मनी ऑर्डर? अरे बंधु, व्हाट इज दिस नाटक? फिर भी यार, तुम तो पिछले जन्म में मोतियों का दान करके आए हो, थोड़े भी आए तो 200 आए, यहाँ तो 50 रुपए भी देखने को नहीं मिलते। अरे बंद करो ये गरीबी का नाटक, तुम तीनों तो हर वक्त रोते ही रहते हो। अब ये सोचो कि इन 200 रुपयों से ऐश कैसे की जाए। तुम्हें तो 24 घंटे ऐश की पड़ी रहती है, पहले वो काम तो करो जिस काम के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। क्यों बंधु, तुम्हें याद है ना, आज के लिए तुमने हमसे वादा किया था कि तुम गरीब विद्यार्थियों के लिए चंदा दिलाने वाली मदद करोगे। तो क्यों ना इस नेक काम का मुहूर्त कुमारी लता से ही हो। रामू, ये तेरे बाप का माल है जो बांट रहा है? मेन साहब, रात का बासी बचा हुआ खाना है। बासी खाना है तो अपने कुत्ते को दे देना, चल वापस ला। दया कीजिए सरकार, बच्चे दो दिन से भूखे हैं, पेट भरेगा तो दुआएं देंगे। हमें तुझ जैसे नंगे भूखे की दुआ नहीं चाहिए, जाकर अपने लिए दुआ कर। सरकार, जब आप जैसे धनवान ऐसा सोचेंगे तो हम गरीब कैसे जिंदा रहेंगे? जिंदा रहने की जरूरत ही क्या है, मर क्यों नहीं जाते तुम लोग? आसमान पर रहने वाले जमीन पे बसने वालों का दुख क्या जाने, कहीं मालिक तुझको हम जैसा बना दे तो फिर पता चलेगा। हरामखोर, तू चाहता है कि हम भी तेरी तरह भीख मांगे? हाय किशोर। हाय। आओ आओ, अंदर आओ। आओ किशोर आओ। नमस्कार। नमस्ते, मैं आप ही का इंतजार कर रही थी, आइए बैठिए प्लीज। मामी जी। किशोर, ये मेरे मामा मामी हैं। नमस्ते। नमस्कार मामा जी। हमारे मामा जी थिएटर में बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे। अच्छा अच्छा, तो आप थिएटर में थे? वेटर? नहीं नहीं, वेटर नहीं, थिएटर में था। लैला मजनू, इंदर सभा, श्री फराद, सब ड्रामों में मैं हिरन का पार्ट किया करता था। और इंदर सभा में सीन नंबर 17 में जब मैं सब्ज परी बनकर गुलफाम के सामने आकर कहती थी, कहता था, क्या कहता था, तू अगर आशिक है मेरा, मैं भी तेरी यार हूँ, हसरते दिल की निकालो, हर तरह तैयार हूँ। क्या बात है। आप लोग क्या पियेंगे, ठंडा चाय वाय कुछ? जी जी, वो चाय वाय तो कॉफी भी कराए हैं। कॉफी? कॉफी तो हमारे यहाँ बहुत अच्छी बनती है। रामू, अरे रामू, बहरा हो गया है क्या? पता, मामा जी कुछ कम सुनते हैं क्या? एक बार गलती से मामा जी ने नाक की दवाई कान में डाल ली, तब से बहरे हो गए हैं। अरे बैठो बैठो। अरे किशोर, ऐसी कौन सी खास बात थी जो तुम यहाँ आके कहना चाहते थे? लता जी, बात ये है, हम लोग कॉलेज के गरीब विद्यार्थियों के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, हम चाहते हैं इस नेक काम में आप भी दिल खोलकर हमारी मदद करें। आई एम सॉरी, मैं गरीबों के लिए एक पैसे की भी मदद नहीं कर सकती। जी, ऐसा क्यों? इसलिए कि मुल्क में बेकारी फैलाने के जिम्मेदार गरीब लोग हैं, उन्हें तालीम दी जाती है, वो अपनी डिग्री लेकर नौकरी की तलाश में निकल पड़ते हैं, सबको तो नौकरी मिलती नहीं, इसलिए बेकारी बढ़ती जाती है। इस बेकारी की समस्या का सिर्फ एक ही हल है कि उन गरीबों की लिखाई पढ़ाई कानूनी तौर पर बंद करनी चाहिए। वंडरफुल आइडिया, वाकई अगर ऐसा हो तो हमारे देश से बेकारी खत्म हो सकती है। किशोर, तुम्हें क्या हो गया है यार?
समझने की कोशिश करो भाई, लता के विचारों में कितनी ग्रेट फिलॉसफी छुपी हुई है। गरीब ज्यादा मेहनती होते हैं, जाड़ा गर्मी बरसात में जानवरों की तरह काम कर सकते हैं, और जब उन्हें एजुकेशन दी जाती है तो सुस्त और कायल हो जाते हैं। एग्जैक्टली, यू आर राइट किशोर। अच्छा अब आज्ञा दीजिए हमें। आप लोग बगैर कॉफी पिए कैसे जा सकते हैं, स्पेशल बनवाइए लीजिए। वैसे बेटे तुम्हारे पिताजी काम क्या करते हैं, नाम क्या है उनका? जी मेरे पिताजी बहुत बड़े जागीरदार हैं, उनका नाम है ठाकुर मानसिंह। डाकू मानसिंह? डाकू नहीं, ठाकुर मानसिंह। मामा जी कॉफी में बहुत मजा आया, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा लता चलते हैं। मामी जी नमस्ते। आओ। नमस्ते। नमस्ते मामा जी। लता ये किशोर काफी ऊंचे घराने का लड़का मालूम पड़ता है, मेरे ख्याल में तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी। मामी जी इतनी जल्दी भी क्या है? जल्दी क्यों नहीं, इतनी बड़ी जायदाद के मालिक होकर भी तुम मालिक नहीं हो। पता नहीं तुम्हारे बाप ने वसीयत ऐसे क्यों लिखवा दी कि सारी जायदाद के मालिक तुम नहीं बल्कि तुम्हारी औलाद होगी। देखो किशोर से शादी करने के बाद तुम्हारी जिंदगी सुख और आराम से कटेगी, फिर शादी के बाद भगवान तुम्हें बच्चा देगा, उसके बड़ा होने के बाद सारी जायदाद तुम अपने नाम पर करवा सकती हो। क्यों तुम्हें भी किशोर पसंद है ना? जी हाँ। जहाँ इतना सबर किया थोड़ा सबर और कीजिए। मुझे पता है कि मुझे भी यही जवाब मिलने वाला है, मगर मैं आज आपसे अपने सामान का किराया विराया लेने नहीं आया हूँ, मैं तो आज अपना तमाम सामान वापस ले जाने के लिए आया हूँ। साहब सामान? अजी कौन सा सामान है थारा? कौन सा सामान? अजी ये पूछो कि कौन सा नहीं है। ये अलमारी, अलमारी में तमाम कपड़े, सूट बूट, सोफा सेट, बोरिया बिस्तर, और ये साहब जो कुछ पहने हुए है ना ये सब मेरी ड्रामा कंपनी के हैं। ऐसा? जी हाँ। अजी साहब अगर मैं ये सब कुछ अपने साथ ले जाऊँ ना हाँ? तो ये साहब सिर्फ चड्डी और बनियान में रह जाएंगे। ऐसा? मिस्टर मिस्टर आप काहे का मिस्टर, तुम लोगों क्या देख रहे हो? चलो उठाओ सामान। सामान उठाओ? अरे अरे क्या करता हो, रुको रुको जी। देखो जब तक मारे को पिछले 10 महीने का किराया नहीं मिल जाता मैं किसी भी सामान को हाथ नहीं लगाने दूंगा। देखता हूँ मारे रास्ते में कौन आता है, मैं अभी मकान को ताला लगाता हूँ। ताला? माफ कीजिएगा। हाँ मैं भी आया। क्या 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 क्या? हाय लता जल्दी आओ, वक्त हो रहा है। अभी आया बस। देखो किशोर बाबू अब हमसे और चक्का नहीं लगाए जाएंगे। अरे आप लोग खाम खा नाराज हो रहे हैं, आपका वास्ता एक रईस से बड़ा है किसी चकपूंजे से नहीं। मैंने जो वादा किया उसे पूरा करूंगा। देखो जी किशोर बाबू मैं थारे को 15 दिन की मोहलत और देता हूँ, जो मारो बीसो 15 दिन के अंदर अंदर नहीं मिली हो तो मैं मकान खाली करा के तारों लगा दूंगा। तारों? तुम इन लोगों के कर्जदार हो? कैसी बातें कर रही हो लता, मैं और इनका कर्जदार? वो तो कमक पड़ोस में एक लड़का रहता है जिम में कौड़ी नहीं और चलाए अमीरों की बराबरी करने, मेरी वजह से मकान मालिक ने उसे मकान किराए पर दे दिया था फर्नीचर वाले ने फर्नीचर, अब वो लड़का कम वक्त न फर्नीचर का भाड़ा देता है न मकान किराया। मैंने उसे बुलाकर इतना डांटा और उसे वादा करवाया कि 15 दिन के अंदर वो इनका पैसा चुका देगा। लेकिन तुम ऐसे लोगों को मुंह क्यों लगाते हो? लता अब किसी के माथे पे थोड़ी लिखा होता है कि कैसा आदमी है, देखने में तो शरीफ आदमी था। खैर प्रोग्राम क्या है? इट्स अ प्लेजेंट सरप्राइज।
कमाल कर दिया तुमने, रियली ग्रेट सरप्राइज फॉर मी। अरे मुझे मालूम नहीं था कि तुम इतनी खूबसूरत, इतनी अच्छी आर्टिस्ट हो। वाकई तुम्हें आइटम अच्छा लगा? अरे अच्छा, तुमने तो जिंदगी की सही तस्वीर सामने रख दी। आहा, जवानी के दिन चार आते नहीं बार बार, थाम ले किसी का दामन, मांग ले किसी का प्यार। भाई हम तो पहले से किसी का दामन थाम चुके हैं। किसका? साफ जाहिर है निगाहों से के हम मरते हैं, मुंह से कहते हुए ये बात मगर डरते हैं। लेकिन डर क्यों? इसलिए कि बैठे बैठे मुझे आया है गुनाहों का ख्याल, आज शायद तेरी रहमत ने किया याद मुझे। सेठ जी, जब इतने दिन सबर किया है थोड़े दिन और सबर कर लो। मकान तो तुम्हारे पास गिरवी रखा हुआ है, मैं कहीं भागा तो नहीं जा रहा हूँ। लड़का डॉक्टरी पास कर ले, सारे संकट दूर हो जाएंगे। ठीक है ठीक है। अरे ओ दीनानाथ, अरे डॉक्टर बाबू आए। हाय, अरे कहीं किशोर तो नहीं आया? सेठ जी, ये मकान गिरवी और ब्याज के बारे में उससे कुछ न कहना, कहीं पढ़ाई से उसका मन उठ जाए, मैं ब्याज तुम्हें दे दूंगा। ठीक है ठीक है, तुम चिंता मत करो। आओ बेटा आओ, 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 बस बस ठीक है ठीक है। बेटे खूब ध्यान देके पढ़ाई करो, देखो हम सबकी आंखें तुम्हारे तरफ लगी हुई है। मालिक तुम्हें दिन दूनी और रात चौगनी तरक्की देवे। आओ बेटा आओ। अरे तुलसी, देखो तो किसे लाया हूं। किशोर जी, दे रहा हूं। तुझे देखने को तो आंखें तरस गई थी बेटा, कैसा है तू? अच्छा माँ, देखो तो चेहरा कितना उतर गया है। देखो देखो, अरे सचमुच चेहरा उतर गया। चल चल चल, आज दोनों में खाना बनाए। अरे शन्नू, चल से जल्दी से चूल्हा जा। अच्छा चाची, बस बस क्या कर रही हो माँ? बस बस कुछ नहीं। अरे ये फली की भाजी कितने प्यार से शन्नू ने तुम्हारे लिए बनाई है। चाची, पहले तो सिंगा फली खूब चबा चबा कर खाते थे, आज के अच्छी नहीं बनी, जो चूस चूस कर फेंक रहे हैं। अरे तू गांव की लड़की क्या समझे शहर का फैशन? अरे शहर के लोग भिखारी को एक पैसा नहीं देंगे, लेकिन होटल में आधा खाना खाएंगे आधा छोड़ देंगे फेंकने के लिए, क्योंकि फैशन है। फैशन है, तुम्हें क्या मालूम? तुमने कभी होटल का मुंह भी देखा है? भगवान को नहीं देखा, लेकिन उनका नाम तो सुना है। बता नहीं तो क्यों आया? अरे ये क्या उठपटांग बातें कर रहे हो, अपना घर आया है? तुम समझी नहीं, किसी मतलब से आया होगा। इस बार कोई भारी रकम की जरूरत पड़ गई होगी, क्यों बोल? हाँ? अरे तो खा थोड़ी जाएगा, पढ़ाई पे ही खर्च करेगा। ये तो यही जाने। सच बात यह है पिताजी कि मैं मेडिकल कॉलेज छोड़ रहा हूँ। ये तो क्या कह रहा है? पढ़ाई छोड़ दोगे? क्यों, किस लिए? इसलिए कि मैं आप लोगों को और मुसीबत में नहीं डालना चाहता। सुना तुमने, अपनी मुसीबत को रोना लेकर कब मैं तुम्हारे पास गया था? जब जब तुमने पैसे मांगे हमने दिए, कभी इनकार किया जा तुम करो पढ़ाई छोड़ दोगे? बेटा डॉक्टर तुम अपनी मर्जी से नहीं पढ़ रहे हो, मैं पढ़ा रहा हूँ, खून जला जला कर तुम्हें पैसे भेज रहा हूँ। लेकिन पिताजी जो पैसे आप भेज रहे हैं फीसों किताबों में चले जाते हैं, क्या आप समझते हैं इसके अलावा मुझे किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ती? बेटा तुम्हें क्या क्या जरूरत है बताओ ना। बोलो बेटे, तुम्हें किस चीज की जरूरत है? माँ बात यह है कि मेरे सारे दोस्त कार और मोटरसाइकिल पर आते हैं, एक से एक बढ़िया सूट पहनते हैं। बेटा उनके बाप लखपति होंगे, तुम्हारा बाप एक गरीब आदमी है, तुम्हारी उनकी क्या बराबरी? पिताजी कार और मोटरसाइकिल को छोड़िए, लेकिन पहनने के लिए पास में दो एक अच्छे सूट तो होने चाहिए। बेटा सूट पहनने से आदमी बड़ा और विद्वान नहीं होता। बापू लंगोटी बांधते थे और बड़े बड़े सूट वूट वाले उनके आगे माथा टेकते थे। आदमी बड़ा होता कर्मों से, कपड़ों से नहीं। अगर तुम्हारी यही विचार है तो जिंदगी में तुम कुछ नहीं कर पाओगे। ओफो, ये सब बातें बाद में करना, पहले खा लो। खा चुका। अरे तू कहाँ जा रहा है? माँ बाप की बातों को इस तरह बुरा नहीं मानते, उन्होंने दो शब्द क्या कह दिए और तू खाना छोड़ के जा रहा है। तेरे सामने जो कुछ भी कहे मगर जानता है पीठ पीछे कितनी तुम्हारी बड़ाई करते हैं। चल खा ले, अन्न को इस तरह छोड़ के नहीं जाते। अरे शन्नू आए चाची। सुन बेटी, मैं जरा चौधरी उनके पास जा रही हूँ, देखती हूँ किशोर के लिए थोड़े बहुत पैसों का बंदोबस्त हो जाए। अच्छा, और हाँ तेरे चाचा आ जाए तो उन्हें ये बात मत बताना, समझी? मैं भी आई। अच्छा, ये दरवाजा बंद कर लेना।
इस तरह से मुंह फुला के क्यों बैठे हो? तुमने भी पिताजी से भगवत गीता का उपदेश नहीं सुना? चाचा जी की तो आदत ही ऊंचा बोलना है, लेकिन तुम अपना दिल छोटा मत करो। लो ये मेरे कंगन ले लो, इन्हें बेचकर तुम्हारा काम चल जाएगा। शिन्नू? हाँ, तुम्हें अपने मित्रों में जितना भी मान मिलेगा उतनी ही मुझे खुशी होगी। मगर शिन्नू, माँ को पता चल गया तो? चाची को बिल्कुल पता नहीं चलेगा, ये तो हमेशा संदूक में बंद रहते हैं। लेकिन आज तुम आए हो ना, इसलिए मैंने ये पहने हैं। साथ ही होने वाली है ना, फिर घबराने की क्या जरूरत है? मैं जाते ही पिताजी को लिख दूंगा कि शादी का मुहूर्त जल्दी निकल पाए। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। लता, तुमको मुबारकबाद दूं या यूं कहूं जाने जिगर, पैदा तुम जिस दिन हुई वो दिन मुबारक हो गया। तो वाह 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 वाह, तोहफों का ढेर लगा दिया है मेहमानों ने। बस अगर बर्थडे मनाया जाता है तो हमारी लता का, शहर के तमाम बड़े बड़े लोग भागे भागे चले आते हैं। अरे ये किशोर ने क्या दिया तुम्हें तोहफे में? ये कंगन। अच्छा, लेकिन जरा पुराने फैशन का है। अरे भाई, बात ये है कि पुराने जमाने के फैशन ही तो आज के जमाने के नए फैशन बन जाते हैं। कमाल है, देखो ना आंटी, मैंने कितनी मुश्किल से इतना खूबसूरत तोहफा लाके दिया, उसने फूटे मुंह से एक बार भी धन्यवाद नहीं कहा। इसलिए कि जो तोहफा मैं तुम्हें देने वाली हूँ उसके मुकाबले में ये कुछ भी नहीं। ऐसी बात है? तो फिर नेक कार में देर किस बात की? लाइए निकालिए, फौरन जल्दी लाओ। जरा सब्र से काम लो, 7 महीने के बाद मिलेगा। 7 महीने? आंटी ये 7 महीने की शर्त किस लिए? इसलिए कि 2 महीने तो हो चुके हैं। क्या ये तुम क्या कह रही हो लता? तुमने मुझसे पहले क्यों नहीं कहा? इस मामले में देर नहीं होनी चाहिए वरना मुंह पे कालक लग जाएगी। इसमें कालक लगने की क्या बात है, हम दोनों एक दूसरे के तो हो ही चुके हैं। रही शादी की बात, वो भी हो जाएगी। हो जाएगी नहीं, फौरन होनी चाहिए। तुम लोगों को पता नहीं ये कितनी बदनामी की बात है। किशोर, तुम फौरन जाके अपने पिताजी से मिलो और उनसे शादी की तारीख पक्की कर लो। पिताजी, घबरा क्यों गए? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं घबराया नहीं, जरा उलझन में पड़ गया हूँ। बात यह है कि पिताजी पुराने ख्यालों के आदमी हैं, शादी की बात सुनते ही जन्मपत्रियां मिलाना, दोनों खानदानों की चार चार पीढ़ियों तक तहकीकात पूछताछ, यानी कि दुनिया भर के चक्कर शुरू कर देंगे। पर आंटी, मैं सच कहता हूँ, इन चक्करों में महीनों गुजर जाएंगे। फिर क्या आंटी, ना हमने किसी से पूछ के प्यार किया है और ना हम किसी से पूछ के शादी करेंगे। हम दोनों सिविल मैरिज कर सकते हैं। किशोर ठीक कहता है मामी जी। और आंटी, मुझे तो सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए, मेरे लिए तो मम्मी डैडी आप ही हैं, और सच पूछा जाए तो आज के बाद मैं आपको माँ ही कहने वाला हूँ। रोती क्यों पगली, शादी तो मेरे साथ ही होने वाली है ना, फिर घबराने की क्या जरूरत है? मैं जाते ही पिताजी को लिख दूंगा कि शादी का मुहूर्त जल्दी निकल पाए। अब तो खुश हो? बेटी, आज भी तुम्हारी कोई चिट्ठी नहीं। ये गड़े में छेद कैसे पड़ गया? पता नहीं चाची, सारी छास बह गई। ला, मैं छेद बंद कर देती हूँ। अरे पगली, कहीं टूटा हुआ गड़ा भी जोड़ा जा सकता है, और वैसे भी टूटे हुए बर्तन को घर में रखना अशुभ मानते हैं। जा इसे फेंक दे, मैं दूसरा ले आऊंगी। जा। तो ठीक है, चल अंदर। जी मत ला रहा है क्या? कितनी बार कहा कि धूप में मत घुमा कर, तू आराम कर, मैं बैलजी को बुला के लाती हूँ। नहीं नहीं चाची, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, बैलजी को ना बुलाना। क्यों, क्या बात है, क्या बात है शन्नू?
तू बोलती क्यों नहीं? चाची, मैं भी उस टूटे हुए बर्तन के समान हूँ। मैं समझी नहीं, बात क्या है शन्नू? सच सच बता, बात क्या है शन्नू? चाची, उस दिन जब किशोर आया, वो अपने कमरे में निराश सा बैठा हुआ था। मैंने सोचा सोने की कड़े उसे ले, मर गई होती तो अच्छा था। तुम तो जानती हो ऐसे लड़कियों के समाज में क्या दुर्दशा होती है। बस सुनो, अपने पुरोहित जी तो गांव में है ना? गांव में नहीं तो केवल आ जाएंगे। उनसे क्या काम है? शादी का मुहूर्त निकलवाना है। किसकी शादी? अपनी शन्नू की। कमाल करती हो तुम। शन्नू की शादी तब होगी जो किशोर डॉक्टरी पास करके आएगा। भाभी को दिया हुआ वचन भूल गई? वचन कैसे भूल सकती? तो फिर? लेकिन किशोर शादी के बाद भी तो पढ़ाई कर सकता है। शादी के बाद वो एक ही पढ़ाई करेगा, दूसरी नहीं। देखो उसे डॉक्टर बनने दो, वरना गांव वालों के सामने मुंह नहीं दिखा सकूंगा। अगर ये शादी नहीं हुई तो अभी हम गांव वालों को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। क्यों? कैसी बैठी बैठी बातें कर रही हो तुम? साफ साफ बोलो ना, क्या बात है? हमारे नसीब फूट गए हैं, शर्मा मां बनने वाली है। क्या कह रही हो तुम? ये कैसे हो सकता है? मेरी बात तो सुनो। बड़ी अच्छा है, अरे हमारे मुंह पर कालक लगाने से पहले अपने माँ बाप के साथ तुम मर कर गई। अब मैं अपनी गलती बेटे को क्या जवाब दूंगा? उसे क्या कहूंगा? उसकी होने वाली पत्नी पत चला है, दूसरों के साथ मुंह काला करके फिरती है। बताओ कौन है बच्चा? कौन है बताओ? हरामजादा कौन है? जो तुम कर दूंगा मैं बताती हूँ। हरामजादा कोई और नहीं बल्कि हमारा अपना बेटा किशोर है। किशोर? किशोर ने ये किया? उसने ऐसा क्यों किया? क्या वो नहीं जानता कि गांव के लोगों को पता चल गया तो हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे? होना था सो हो चुका। मैं कहती हूँ अभी कुछ नहीं बिगड़ा। लेकिन हम क्या करें? इससे पहले कि गांव वाले को इस बात का पता चले, हमें जल्द से जल्द इन दोनों की शादी कर देनी चाहिए। तुम जैसे भी हो किशोर को ले आओ, बेचारे शनू का भविष्य का भी तो सोचो। ठीक कहा तुमने, मुझे माफ कर दे बेटी। उठ, मैंने तुझ पर हाथ उठाया, तेरा कोई दोष नहीं बेटी। दोष मेरी औलाद का है, लेकिन तू फिक्र न कर, सब ठीक हो जाएगा। सुनो, पुरोहित जी से मालूम कर लो कि शादी की मुहूर्त जल्दी जल्दी कब निकल सकती है। मैं भी जाता हूँ। किशोर बोलो ना, कौन है ये? बोलना कौन हूँ मैं? सबके सामने बाप कहते शर्म आती है। बाप? ए बुड्ढे, तेरे होश ठिकाने हैं? ये जरूर कोई पैसा बटोरने की चाल है। अरे तू जानता है ये कौन है? किशोर, बहुत बड़े जागीरदार मंत्री का बेटा। वो तो कब के मर चुके हैं। तो ये बात है, तू एक बहुत बड़े जागीरदार का बेटा है और तेरा बाप मर चुका है। अरे मेरी तरफ देख के बोल, क्या तू इतना गिर चुका है कि अपनी असलियत को भूल गया?
अरे ये दिन देखने के लिए मैंने तुझे पाल पोस पर बड़ा किया। बोल लता कहाँ जा रहा है? अरे लता लता मुझे विश्वास कर, मैं बिल्कुल नहीं जानता ये आदमी कौन है। मुझे क्या क्या तूने मेरे तो देख के बोल कि तू मुझे नहीं जानता। एक दफा कह तो दिया, निकालो इसे। चलो निकालो, चलो निकालो, चलो तुम लड़की का ख्याल कर, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी किशोर, शंभू की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी किशोर। मैंने कहा था ना जरूर इसमें कुछ गहरी चाल थी। साफ जाहिर है दूसरी लड़की को बीच में डालकर पैसा ऐंठने का प्रोग्राम था। ऐसे आदमी को तो पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। पुलिस के हवाले करने से क्या फायदा, इस भिखारी का क्या जाता, बदनामी हमारी हो जाती। लता वो तो मामी ने हमारी इज्जत बचा ली, वरना मुझे पूरा यकीन है कि वो तुम्हारा बाप है। अपने बारे में इतना बड़ा झूठ बोलकर तुमने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है। निकल जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी सूरत भी नहीं देखना चाहती। लता लता मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं तुम्हें बेहद प्यार करता हूँ। चुप रहो, अगर तुम मुझसे सचमुच प्यार करते तो अपने बारे में सच सच बताते, ये न कहते कि तुम्हारे भिखारी बाप के पास लाखों करोड़ों की जायदाद है। लता लता मैं सच बोलकर तुम्हें खोना नहीं चाहता था। मैं जानता था कि तुम्हें गरीबों से नफरत है, इसलिए मुझे डर था कि तुम्हें यह मालूम हो गया कि मैं गरीब हूं तो कहीं तो मेरे प्यार को ठुकरा ना दो। निकल जाओ, चले जाओ यहां से। अगर मैं तुम्हारी नजरों से इतना गिर चुका हूं तो मेरे जिंदा रहने से भी क्या फायदा। आज के बाद तो मेरी सूरत भी नहीं देखोगी, मैं आत्महत्या करके तुम्हारे रास्ते से हमेशा के लिए दूर हो जाऊंगा। वाह, ये मरने की ठोस खूब रही। आत्महत्या करके तुम दुनिया की नजरों से मुझे और गिराना चाहते हो। लोग यही कहेंगे ना, मैं आवारा थी पर चलन थी, और शादी के बाद जब तुम्हें पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ तो तुमने खुदकुशी कर ली, यही ना? फिर तुम ही बताओ मैं क्या करूँ। तुम्हारे प्यार के लिए मैंने अपने माँ बाप को ठुकरा दिया, मैं गरीब का बेटा हूँ इसलिए तुम मुझे ठुकरा रही हो। न मैं तुम्हें पा सकता, न उनके पास वापस जा सकता हूँ। मेरे सामने मरने के सिवा रास्ता क्या है? रास्ता है तुम्हें अपने माँ बाप को हमेशा के लिए छोड़ना होगा, अपने दोस्तों और बराबर वालों को तुम्हारी असलियत बताकर मैं उनकी नजरों से गिरना नहीं चाहती। वादा करो आज के बाद तुम्हारा अपने माँ बाप से कोई संबंध नहीं रहेगा। लता मेरा उनके साथ क्या संबंध रहेगा, ये तो आज तुम भरी महफिल में देख चुकी हो। मैं उनके लिए मर चुका हूँ, अब मैं उनके पास कभी वापस नहीं जा सकता। लेकिन ये समझ कर कि अब उनका बेटा अमीर हो गया है, अगर वो यहाँ चले आए तो। नहीं लता विश्वास रखो, अब वो यहाँ नहीं आएंगे। अगर वो आए भी तो मैं उनसे कह दूंगा मेरा उनका कोई रिश्ता नहीं। तुमको जल्दी चाहिए ना, तो फिर जल्दी से जल्दी 3 दिन बाद अगले शुक्रवार को तुम विवाह का प्रबंध कर सकती हो। 3 दिन? मगर ये सारा बंदोबस्त 3 दिन में कैसे होगा? भगवान के दया से सब हो जाएगा। पुरोहित जी तुम जाओ, शाम आने पर तुम्हें बुला लेंगे। अच्छी बात, मगर 3 दिन में ये सब बंदोबस्त कैसे होगा? 3 दिन क्या, 3 मिनट चाहिए हम तीनों के गले में फांसी का फंदा लगाकर मर जाने के लिए। ये तुम कैसी अशुभ बातें मुझसे निकाल रहे हो? किशोर कहाँ है? किशोर नहीं आएगा। तुमने जरूर उससे झगड़ा कर लिया हो। अरे उस हरामजादे ने झगड़े की जगह खा छोड़ रखी है, एक अमीर लड़की से शादी कर ली उसने। शादी कर ली उसने? हाँ तो उसी भरी सभा में उसने अपने बाप को पहचानने से इनकार कर दिया, कहता उसके माँ बाप दोनों मर चुके हैं और मुझे धक्के देकर बाहर निकलवा दिए। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं ठीक कर रहा हूँ, तूने इंसान को नहीं एक सांप को जन्म दिया है। ऐसी औलाद से तो जानवर अच्छे हैं जो घास खाते हैं मगर दूध देते हैं, हमारी औलाद की तरह दूध पीकर जहर तो नहीं बनते। आज से भूल जाओ हमारा कोई बेटा भी था, इसकी तरफ से हम मर चुके और हमारी तरफ से सिमर। भैया किशोर को लिखा पढ़ा कर डॉक्टर बना ताकि आज के बाद इस गांव में किसी की मौत सिर्फ इसलिए ना हो कि इस गांव में डॉक्टर नहीं है। सुनते हो, शनु दरवाजा नहीं खुल रही है, मुझे तो डर लगा है, चलकर देखो तो जरा। दरवाजा खोल भैया, दरवाजा खोल मुझे छोड़ दीजिए चाचा जी, मुझे मर जाने दीजिए।
दुनिया को मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। बेटी दूर रखो, मना तुम जानते हैं, जो नसीब लिखा है उसे भुगतना ही पड़ेगा। क्या ये समझती हमें कोई दुख नहीं है? तू क्या बेटी, हम भी किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। क्या क्या अरमान थे दिल में, बेटा डॉक्टर बनेगा, गरीब माँ बाप का सर ऊंचा करेगा, सब अरमान जलकर खाक हो गए। गांव के सब लोग जो शैतान पर बड़ी बड़ी उम्मीद लगाए बैठे हैं, उन्हें मैं क्या जवाब दूंगा? अब तो बस एक ही रास्ता है, सूरज निकलने से पहले इस रात के अंधेरे में मुंह छिपा कर इस गाँव को छोड़कर चले जाए। हर दिल में नफरत भरी है, कोई दिल साफ नहीं है। मालिक तेरी सारी दुनिया में कहीं इंसाफ नहीं है। तू मिले तो पूछू तुझसे, क्या ये है यार तेरा, दुनिया को दिए उजाले और मुझको दिया अंधेरा। तू मिले तो पूछूं तुझसे, हो नेकी करने वालों को तो मिलती यहाँ बुराई है, नेकी करने वालों को तो मिलती यहाँ बुराई है। खुद गर्जी के तूफानों में डूब गई सच्चाई है, किसी की नगरी बस गई देखो, किसी का लुट गया डेरा। तू मिले तो पूछू तुझसे, हो अब किस पे करे भरोसा, जब तूने ही घेरा, दुनिया को दिए उजाले और मुझको दिया अंधेरा, मुझको दिया अंधेरा, मुझको दिया अंधेरा। चलो जल्दी करो जल्दी, चलो जल्दी जल्दी करो जल्दी। अरे तुम यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो, जल्दी करो। कर रहा साहब। हाँ तो करो जल्दी। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। ओह ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। चौथी मंजिल भी तैयार हो गई? आप इत्मीनान रखिए, कॉन्ट्रैक्ट टाइम से पहले ही बिल्डिंग तैयार हो जाएगी। आइए ऊपर आइए। चलिए मामी जी। जी जरा संभल के। बिल्डिंग बहुत अच्छी बनी है लता, ये चौथी मंजिल है ना, ये बहुत जल्दी बन गई है।
डिजाइन बहुत अच्छा है जी। नमस्ते। सस्ते मकान सस्ते बन जाएगा? सस्ते में नहीं, नमस्ते कह रहे हैं। किशोर साहब, ये आपके माता पिता हैं, आपने परिचय नहीं करवाया? जी नहीं, इनके माता पिता का तो बचपन ही में देहांत हो गया था, वो बहुत बड़े जागीरदार थे। वो ऐसे इंजीनियर साहब, ये तो मेरे माता पिता से भी बढ़कर है। जो प्यार मुझे अपने माता पिता से नहीं मिला वो इन्होंने मुझे दिया। चलिए चलते हैं। एक मजदूर सीढ़ी के ऊपर से गिर गया है, सर में बहुत चोट आई है। उसमें हम क्या करें, उसे अस्पताल में ले जाओ। हाँ हाँ, तुम जाओ, हम देखते हैं कि कोई डॉक्टर है। किस पाप की सजा दे रहे हो? क्यों इस तरह तड़पा तड़पा के मार रहे हो? घर से बेघर कर दिया, संतान का सुख हमसे छीन लिया। शन्नू जैसे मासूम बच्ची को संसार का सुख देने से पहले उठा लिया। क्या इतने दुख देने के बाद भी तुझे चैन नहीं आया जो इनकी आंखों की ज्योति छीन ली? तुम रो क्यों रही हो तुलसी? जब अपना बेटा अपना ना हो सका तो भगवान का क्या दोष? बेचारा भगवान हम जैसे कितने बदनसीबों की देखभाल कर सकता है। क्या भगवान का इसमें कोई दोष नहीं, इसने तुम्हारी आंखें छीन ली? नहीं तुलसी, भगवान जो कुछ करता है अच्छे के लिए ही करता है। उसने मेरी आंखें इसलिए छीन ली, अब मैं अपने नालायक बेटे का मुंह कभी ना देख सकूं। उसने बड़ा उपकार किया तुलसी, बहुत उपकार किया। तुलसी तुम भी मुझ पर एक उपकार करो, मुझे थोड़ा सा जहर ला दो। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं ठीक करा तुलसी, अब मैं इस धरती पर बोझ बनकर रह गया हूँ, मैं जीना नहीं चाहता। तुम ये सोचते हो कि हमें सिर्फ अपने लिए जीना है, अगर हम न रहे तो इस अनाथ बच्चे का क्या होगा? तुम क्यों दिल छोटा करते हो? क्या हुआ अगर बेटे ने साथ छोड़ दिया तो? मैं जो तुम्हारे साथ हूँ, आज तुम्हें मेरी जरूरत है तो क्या मैं पीछे हट जाऊंगी? चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरे बेटे, मेरे बेटे, तुझे कुछ हो जाता तो मैं क्या करती? मुझे फुर्सत नहीं मिलती, मैं क्लब या मीटिंग में चली जाती हूँ तो इसे आप लोगों के भरोसे पे छोड़कर, और आप लोगों को इसकी फिक्र ही नहीं। ऐसी बात मत करो बेटी, मेरी उम्र भी इसे लग जाए। मैं तो स्टूडेंट के भरोसे आराम से बैठी थी, मुझे क्या मालूम अपने यारों के चक्कर में इसे भूल जाएगी। निकल जा मेरे घर से, अभी तू मेरे बच्चे की जान ले लेती। निकल जा, मैं तेरा मुंह भी देखना नहीं चाहती। सुनो, मैं तुम्हारे एहसान का बदला किस तरह चुकाऊं? तुमने मेरे बेटे को नया जीवन दिया है। जीवन देने वाला तो भगवान है, इसकी जिंदगी थी, भगवान ने इसे बचा लिया। क्या तुम यहीं कहीं रहती हो? नहीं, यहाँ तो आप जैसे बड़े लोग रहते हैं, मैं तो यहाँ नौकरी ढूंढने आई थी। नौकरी ढूंढ रही हो? तो फिर हमारी यहाँ नौकरी करोगी? अगर आप काम दे दें तो आपका बड़ा उपकार होगा। घर का काम काज जानती हो? सारी उम्र घर का ही काम काज किया है, आपके यहाँ भी अपना घर समझ कर काम कर लूंगी। तो फिर हमारे यहाँ काम कर लो। मामी जी, हमारे घर का सारा काम काज इसे समझा दीजिए, आज से हमारे घर काम करेगी। देखो, ये बर्तन रगड़ कर मांजना और कपड़े धोकर फैला देना। और हाँ सुनो, महीना 50 रुपए और 2 वक्त का खाना मिलेगा। और कभी चोरी करने की हिम्मत की तो लात मारकर घर से बाहर निकाल दूंगी, समझ गई? चलो शुरू हो जाओ। ए, नाम क्या है तुम्हारा? तुलसी। सारा काम खत्म हो गया? जी मालकिन। देखो वहाँ नौकरों के खाने की थाली रखी है, बुलाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना डाल देती हूँ। नानी, अपनी थाली क्यों नहीं देती तुलसी माँ को? मालिक के थाली में नौकर खाना खाएंगे क्या? क्या होता है खाने से? तेरा सर, तुम्हें तो बीच में बोलने की आदत ही है।
तुलसी माँ? हाँ बेटे। खाना क्यों नहीं खाती? मैं घर जाकर खा लूंगी बेटे। इतना खाना घर में सबके लिए पूरा हो जाएगा? हाँ बेटे, जीने के लिए इतना बहुत है। रवि आया माँ। अच्छा तुलसी माँ, मैं जाता हूँ। कौन है तुलसी? हाँ, अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, मुझे नौकरी मिल गई है। क्या नौकरी मिली है? यही खाना बनाना, बच्चे की देखभाल करना। मैं खाना लेकर आई हूँ। खाना? हाँ, जहाँ मुझे नौकरी मिली है ना, वहाँ तनख्वाह के साथ साथ दो वक्त की रोटी भी मिलेगी। लो बेटी खाओ, भूख लगी है ना, लो तुम भी खा लो। तुलसी तुमने खाया? मैं वहां से खाकर आई हूँ। मैं भी कितना भागा हूँ, आज जबकि मेरे जवान बेटे को मुझे खिलाना चाहिए था, मैं तुम्हें मजदूरी करने के लिए मजबूर कर रहा हूँ। ऐसा क्यों सोचते हो? तुम इसी को अपने बेटे का दिया समझो, भगवान की यही इच्छा होगी। किस्मत ने आंखें फेर ली मगर तेरा प्यार नहीं बदला तुलसी। हम लोग मार्केट ही तो जा रहे हैं, फिर किशोर को साथ में क्यों नहीं लेते? सिर्फ सामान ही तो खरीदना है, उसे ले जाने से क्या फायदा? फरीदाबाद कब गया? मुझे बताया बगैर ही चला गया। भगवान इनको सुनने की ताकत दे या मुझे इनसे ज्यादा बहरा बना दे। मालकिन, बड़े साहब के लिए दूध तुम ही दे आओ, साहब ऊपर कमरे में है। देखो हम बाजार जा रहे हैं, घर का ख्याल रखना। जी चलो रवि। साहब तूने क्या किया? जिस औलाद ने हमें ठुकराया है, आज उसी के द्वार पर पहुंचा दिया। इससे तो अच्छा होता मुझे मौत आ जाती। अब मैं यहां एक पल भी नहीं रहूंगी, एक पल भी नहीं रहूंगी। मां होकर मां की ममता भूल गई? किशोर बुरा ही सही, लेकिन है तो तेरी ही औलाद, क्या तू उसके गुनाहों को माफ नहीं कर सकती? और फिर ये भी तो सोच, रवि जो तेरा पोता, जो तुझे मां से भी ज्यादा चाहता है, उसे तेरी बहुत जरूरत है। अगर तू चली गई तो उसकी देखभाल कौन करेगा? क्या तू उसे फिर से मरने के लिए छोड़ जाना चाहती है? नहीं। तुम? तुम यहां कैसे? गांव में किसी को मुंह दिखाने के लायक छोड़ा, जो हम वहां रहते तूने बसा बसाया घर उजाड़ दिया। तेरी करतूतों की वजह से बेचारी शन्नू तड़प तड़प कर मर गई। मैं क्या किसी के मरने जीने का जिम्मेदार हूं? नहीं, जिम्मेदार तो मैं हूं जो तुझ जैसे श्रवण कुमार को जन्म दिया। न तू पैदा होता, न मुझे ये दिन देखना पड़ता। माँ, आज तुझे याद आया कि तेरी कोई माँ भी है, ये भी याद करके तेरा कोई बाप भी है, जिसने मेहनत मजदूरी करके तुझे पाला, पढ़ा लिखा कर इस लायक बनाया। याद आया वो बदनसीब बाप, जिसे तुमने भरी महफिल में पहचानने से इनकार कर दिया था। इनकार न करता तो क्या करता? जिसे दाढ़ी जताने के लिए कुछ मौका मिले भी तो देखना चाहिए। जब उन्हें मालूम हो गया था कि हम दोनों की शादी हो चुकी है, तो सब लोगों के सामने आंखें निकाल निकाल कर हमारी बेइज्जती करने की क्या जरूरत थी? शायद इसीलिए भगवान ने उनकी आंखें छीन ली, ताकि वो अपनी जिंदगी में ऐसे भयानक नजारे फिर कभी न देख सके। पिताजी की आंखें चली गई, इसीलिए तुम यहां नौकरी कर रही हो। लेकिन अगर यहां लोगों को मालूम हो गया कि तुम मेरी मां हो, तो तुम्हारे साथ मुझे भी यह घर छोड़ना पड़ेगा। भला इसी में है कि तुम यह नौकरी छोड़कर चली जाओ।
नहीं नहीं किशोर, ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो किशोर, मुझे इस चार दीवारी में पड़ा रहने, यहाँ नौकरानी होते हुए भी मुझे ऐसा लगेगा कि मैं अपने बेटे और बहू का दिया खा रही हूँ। और फिर रवि, रवि की देखभाल के लिए भी तो कोई चाहिए ना, मेरे सिवा उसकी देखभाल कौन करेगा? मेरा पोता मेरी नजरों के सामने रहेगा तो मेरे कलेजों को भी ठंडक पहुंचेगी। तू चुप क्यों है? क्या अपनी बदनसीब मां के लिए इतना भी नहीं कर सकता? तुझे मेरा यहां काम करना तो बुरा नहीं लगता ना, बुरा यही लगता है कि मैं तुम्हारी मां हूं। मैं वादा करती हूं किशोर, मैं अपनी ममता का गला घोट लूंगी, लेकिन ये कभी नहीं कहूंगी कि मैं तुम्हारी मां हूं। मरते हुए भी ये नहीं कहूंगी कि मेरे में गंगा जल डालो। इंसान तो क्या, भगवान भी पूछेंगे तो यही कहूंगी कि मैं तुम्हारी मां नहीं हूं, मैं तुम्हारी मां नहीं हूं। बाबा तुम इस पेड़ की छांव में बैठ जाओ। तो बेटे मुझे बैठाना क्यों चाहती है? सब बच्चे खेल रहे हैं बाबा, मुझे भी खेलना है। अच्छा बेटे बैठा दे। चलो इस बेंच पर तुम बैठ जाओ। जल्दी आ जाना बेटे। ये रही बाबा आपकी बीड़ी। कौन हो बेटा तुम? अंधे की आंखें बन के आ गए? क्या तुम देख नहीं सकते? नहीं बेटा मैं अंधा हूँ। तुम्हारी आंखें कैसे खराब हो गई? बस हो गई, नसीब में लिखा था कि मैं अंधा हो जाऊं। फिर तुम्हारी देखभाल कौन करता है? मेरी देखभाल करता है मेरा बेटा, वो मेरी बड़ी सेवा करता है, मुझे अच्छे अच्छे खाने खिलाता है, मेरे हाथ पैर दबाता है। वो खाना भी अपना अच्छे खिलाता है? हाँ बेटा खाना भी अपने ही हाथ से खिलाता है। फिर तो बहुत अच्छा है। बहुत ही अच्छा है, कलयुग का श्रवण कुमार है। बाबा बाबा सब बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, मुझे भी जाने दो ना बाबा। नहीं बेटा, पढ़ाई लिखाई का चमत्कार मैं देख चुका हूँ। ये कौन है बाबा? बेटा ये उसी श्रवण कुमार की बेटी है। बाबा दादी आ गई। दादियाँ कैसे आ गई? तुलसी माँ तुम्हारी दादी है। हाँ रवि तू यहाँ क्या कर रहा है? तुलसी क्या तुम इस बच्चे को जानती हो? हाँ रवि के यहाँ ही तो मैं काम कर रही हूँ। अच्छा अच्छा। तुलसी माँ ये तुम्हारे कौन लगते हैं? ये मेरे पति हैं। फिर तुम इन्हें हमारे घर क्यों नहीं लाती? इन्हें वहाँ ले जाने से क्या फायदा, ये वहाँ किसको देखेंगे। चलो बेटे खाना खा लो। चलो बाबा खाना खाने। नहीं बेटे इन्हें मैं घर जाकर खिला दूंगी। हाँ चलो देर हो रही। आई बेटा। डैडी मेरे लिए क्या लाए? बेटे मैं तुम सबके लिए दिवाली के कपड़े लाया हूँ। मामा जी कहाँ है? अरे मुंह क्यों देख रहे हो, जल्दी आओ, मेरा लाल कपड़े लेके आया है। पकड़े? कौन पकड़े गए? पकड़े नहीं कपड़े। ओ कपड़े, तुम्हारी दादी हमेशा उल्टी ही बात करती। मामा जी ये आपके लिए। अरे वाह बेटा जीते रहो, औलाद हो तो ऐसी। और मामी जी आपके लिए। बेटे ये तुम्हारे और ये तुम्हारी मम्मी का, ये मेरा। और तुलसी माँ के लिए? उसके लिए कपड़े नहीं रहे, कारखाने में बन रहे हैं। तुम चुप रहो, मैं तुमसे नहीं बोलता। नहीं बेटे बड़ों के सामने ऐसा नहीं बोलते। डैडी तुमने दिवाली पर सबके लिए कपड़े लाए, तुलसी माँ के लिए क्यों नहीं लाए? देखो उसके कपड़े कितने फटे हुए हैं। कहाँ से लाऊं? मेरे पास कोई कानून का खजाना रखा है क्या जो सारी दुनिया के लिए कपड़े खरीदता फिरूं? तुलसी माँ, तुलसी माँ। क्या है बेटे? देखो मैं तुम्हारे लिए साड़ी लाया हूँ, लो पहन लो। ये तो कहाँ से लाया? चौड़ैल नानी की अलमारी से लाया हूँ। डैडी जो उसके लिए साड़ी लाए थे ना, वो यही साड़ी है। नहीं बेटे तुम्हारे डैडी जिसके लिए लाए हैं उसी को दे दो, जाओ। उसके पास तो ढेर सारे कपड़े और तुम्हारे पास यही एक साड़ी है, लो पहन लो ना तुलसी माँ। नहीं बेटे नौकरानी और मालकन में फर्क होता है, जाओ तुम ये साड़ी वापस दे दो। ना तुम पहनो ना तुलसी माँ। नहीं बेटे मैं नहीं पहन सकती। नहीं 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 तो ठीक है,
अरे मेरी साड़ी कहाँ गई? तुलसी, अरे ये तुमने क्या किया? हे भगवान, अब क्या होगा? ये तूने क्या कर डाला? हाय मेरी साड़ी। लता, लता, क्या बात है मामी जी, क्यों इतना चिल्ला रही हो? देखो इस कलमोई ने मेरी नई साड़ी जलाकर बर्बाद कर दी। मैंने जलाई है। हाँ तू चुप रह, ये तो बच्चा है, तू तो समझदार हो, क्या तू इसे रोक नहीं सकती थी? मैंने देखा नहीं था मालिका, यहाँ बैठी मर रही थी, देखोगे कैसे? इसके लिए कुछ नहीं लाए ना, इसलिए जानबूझकर इसने मेरी नई साड़ी जलवा दी। ये बात नहीं। अब मैं तुम्हें एक पल भी इस घर में रहने नहीं दूंगी। चलने का बाहर। तूने तुलसी माँ को मारा? सुनोरी, तेरा दिमाग खराब हो गया है, बड़े पे हाथ उठाता है? हाँ तुलसी माँ यहाँ से नहीं जाएंगी। बेटे मालिका मुझे माफ कर दीजिए, अब अनजाने में भी ऐसी भूल नहीं। तुलसी माँ यहाँ से नहीं जाएंगी। मैं उस डायन को मार डालूंगा। ऐसा नहीं कहते बेटे। फिर उस भैंस ने तुम्हें धक्का क्यों दिया था? अपनों से बड़ों के लिए ऐसे खराब शब्द मुझसे नहीं निकालना चाहिए। क्यों? बड़ों को अगर तुम बुरा कहोगे तो तुम कभी बड़े आदमी नहीं बन सकोगे। हमेशा माँ बाप का आदर करोगे, बड़ों का सम्मान करोगे तो भगवान राम की तरह तुम महान बन जाओगे। ये कपड़े कौन धोएगा? तेरा बाप? नहीं, तेरा बाप। चुप रवि, तू अभी तक स्कूल नहीं गया? चल जल्दी कर। ये ले, ये रेशम की साड़ियां हैं, इन्हें अच्छी तरह धोना। सुना नहीं तूने? मुंह क्या देख रही है? धोना शुरू कर दे। बाबा, आओ बेटा, बाबा। आओ, आओ, आओ। आज तो मेरा जन्मदिन है और मैं तुम्हें अपने घर ले जाने के लिए आया हूँ। तुम्हारे घर? हाँ, मेरे सारे साथी आते हैं, तुम भी चलो ना। बेटा मैं अंधा हूँ, किसी को देख तो नहीं सकूंगा। नहीं चलो। नहीं बेटा, मैं तुम्हें यहीं से आशीर्वाद। नहीं चलो ना। बेटा जब तुम बड़े हो जाओगे ना तब मैं आऊंगा तुम्हारे। नहीं चलो। नहीं बेटा जाओ, शाबाश, जाओ जाओ। सुनिए सुनिए सुनिए, अब शोभा अपना गाना सबको सुनाएगी। हाँ शोभा शुरू हो जाओ। नहीं ये नहीं गाएंगी, तुलसी माँ गाना सुनाएगी। रवि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम नहीं जानती माँ, तुलसी माँ बहुत अच्छा गाती है। तुम खामोश रहो। शोभा एक गाना सुनो। अगर तुलसी माँ गाएंगी तो क्या हर्ज है? इज्जतदार और शरीफ लोगों के पार्टी में एक नौकरानी गाना गाएगी क्या? तुम्हें क्या, तुमसे ज्यादा शरीफ है तुलसी माँ। रवि अगर तुलसी माँ गाना नहीं गाएंगी तो मैं अपना जन्मदिन नहीं मनाऊंगा। रवि बेटे सुनो तो। रवि तुझको आदर
तुलसी माँ आशीर्वाद नहीं दोगी? पता नहीं रवि पर इस नौकरानी ने क्या जादू कर दी है। नाना जी कान के बहरे हो, मुंह के गूंगे तो नहीं? बस तो बोलो। रस नहीं, रस अभी नहीं, खाना खाने के बाद पीऊंगा। खाने का ना रवि। खा तो लेंगे माँ, लेकिन मुसीबत मेरी होगी जब हजम नहीं कर पाएंगे। लगता है मुझे डॉक्टर की डिग्री मिलने से पहले ही नाना जी के लिए हॉस्पिटल खोलना पड़ेगा। अरे बस बस, इतनी पूरी मैं नहीं खा सकता भाई। लो बेटा तुम खाओ। ये बात हुई ना, खाओगे नहीं तो ड्रामे में काम कैसे करोगे? अरे हाँ, तुमने ये तो बताया नहीं कि तुम्हारा ड्रामा है कब? आज है। एक दिन बाद है? 15 दिन बाद है। रवि बेटा, तुम तो जानते हो तुम्हारे नाना जी बराबर नहीं सुनते। बराबर सुनते नहीं तो ढेर सारे सवाल करते क्यों हैं? हाँ, क्या नाम है तुम्हारे डांस ड्रामे का? जीवन साथी। और अगर आप आएंगे तो बड़ी कृपा होगी। क्या होगी? समझ गया समझ गया। क्या कह रहा था? तुलसी माँ, तुम भी आना। कहाँ बुला रहे हो? ड्रामा देखने के लिए। अब तुम बच्चे नहीं रहे, किसी को बुलाने से पहले तुम्हें अपनी और उसकी हंसी देखनी चाहिए। सुनो, तुम रवि को समझाते क्यों नहीं? रवि, अपने बुजुर्गों की बात मानना तुम्हारा फर्ज है। ये जो कह रही है ठीक है। तुलसी माँ ड्रामा देखने को आएंगी तो क्या भूचाल आ जाएगा? बुजुर्ग जिस बात को कहें कि गलत है उसे गलत समझना चाहिए। ज्यादा बहस की जरूरत नहीं है। बेटी पार्वती। क्या है दादाजी? तेरी दादी नहीं आई अभी तक? यही तो मैं सोच रही थी, कम से कम किराए के पैसे मिल जाते तो काम चल जाता। हॉस्टल में खाने पीने का इंतजाम तो है ही। चलो काका। अरे आओ आओ बेटा, आओ बैठो। ये बताओ तुम कल क्यों नहीं आए? क्या बताओ काका, कल तमाम दिन ड्रामे की रिहर्सल कर रहा था। लीजिए आपकी बेटी लाया। तेरी पार्वती नर्सिंग ट्रेनिंग के लिए जा रही है? हाँ भैया। अब और कितने दिन बाकी? बस यूँ समझ लो 5 महीने में पूरी नर्स बन जाऊंगी, उसके बाद फिर भगवान मालिक है। रवि बेटा, ये जो कुछ भी बन रही है तुम्हारी मेहरबानी से तो है। तुमने इसके लिए वो किया है जो इसका बाप जिंदा होकर भी न कर सका। अगर इसका अपना भाई होता तो इससे ज्यादा न करता। तुम भी धोखा खा गए दिनों काका। ये जो नर्सिस ट्रेनिंग कोर्स कर रही है ना, उसके पीछे मेरा बहुत बड़ा मतलब है। तुमको तो मालूम है मैं डॉक्टर बनने वाला हूँ, और तब तक ये नर्स बन जाएगी, और जो क्लिनिक मैं खोलूंगा उसमें मेरे साथ काम करेगी, और हम दोनों मिलकर तुम्हारी आंखें ठीक करेंगे। बेटा, अंधा होने के बाद मैंने भगवान से प्रार्थना की थी कि अब मैं कुछ नहीं देखना चाहता, लेकिन तुमसे मिलने के बाद जी चाहता है कि आंखों की रोशनी फिर से वापस आ जाए और तुम्हें जी भर के देखूं। लो दादी भी आ गए। दादी सामान बांध लो। आज नहीं बेटी, तू 2-3 दिन के बाद चली जाना। क्यों, क्या बात है? इसलिए कि तुलसी माँ को हमारे घर से तनख्वाह नहीं मिली है ना। ऐसी बात नहीं। तुलसी माँ, तुम्हारी गोद में पलकर बड़ा हुआ हूँ, मुझसे छुपाने की जरूरत नहीं। लेकिन तू लड़का क्यों खड़ी है? ये ले, ये ले 100 रुपए। नहीं नहीं बेटा, रहने दो। वैसे ही हम तुम्हारे एहसान के बोझ के तले दबे हुए हैं। आज तक तुमने जो कुछ किया क्या कम है? मेहरबानी और तरस की हद होती है बेटा। तीनू काका, मैंने जो कुछ भी किया है एहसान या मेहरबानी समझ कर नहीं, अपना फर्ज समझ कर इसलिए किया है कि मैं तुम्हें अपना समझता हूँ। लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि मैं आज भी तुम्हारे लिए गैर हूँ, और तुम ये समझते हो कि मैं तुम्हें अपने एहसानों के बोझ की तरह दबाना चाहता हूँ। अगर अगर मेरे बर्ताव से तुम्हें तकलीफ पहुंची है तो मैं माफी चाहता हूँ। नहीं नहीं बेटा, मेरा ये मतलब नहीं था, मेरा ये मतलब नहीं था बेटा। फिर कभी ऐसे शब्द मुझसे मत निकालना। हम दोनों कौन होते हैं इनके बीच में बोलने वाले? ये जो कुछ कर रहा है अपनी बहन के लिए, मेरा मतलब है पार्वती इसकी बहन जैसी ही तो है। तुलसी माँ, बहन बहन होती है, बहन जैसी नहीं। मेरी एक ही बहन है पार्वती। ये ले पैसे, लेकिन एक शर्त है। क्या? तू आज नहीं कल जाएगी। क्यों? आज हमारे मेडिकल कॉलेज में डांस ड्रामे का मुकाबला है। मुकाबला? कैसा? मेरा और बैरिस्टर बलदेव राज की बेटी सरिता का।
क्या कर रही हो? What's all this? कानून तुम पर रैश ड्राइविंग का केस चल सकता है। जब केस चलेगा तो मैं आपको अपना वकील बनाकर केस जीत लूंगी। ये नक्शे जवाने के। बिल्कुल, ये जेट है जे डैडी। बिना स्पीड के कोई मुल्क और कोई आदमी आगे नहीं बढ़ सकता है। आज की दुनिया में हर कदम पे मुकाबला है। अच्छा भैया, उल्लू कमे आ। आया डैडे। क्या मेडिकल कॉलेज में ऑपरेशन का क्लास अटेंड करने जा रहे हो? जी नहीं, आज कॉलेज में डांस और ड्रामा है। अच्छा, क्या लाइट्स बदन में लगा कर नाचोगे? जी नहीं, मैं लाइट्स इंचार्ज हूँ और नाचेगी ये आपकी बनरिया। और आपका ये भालू डुगडुगी बजाएगा। मैं भालू हूँ? सच बोले डैडी, जरा शक्ल मिलती है ना? मेरी शक्ल तो डैडी से मिलती है। इसका मतलब हुआ मैं भी भालू हूँ? ये मैं नहीं, ये कह रही है बनरिया। फिर बनरिया कहा? क्या मैं बंदर की बेटी हूँ? शट अप। लड़ते तुम दोनों और गाली मुझे देते हो। मैं अभी तुम दोनों पर फतक इज्जत का दावा करता हूँ। चलो चलो। जरूर कीजिए, लेकिन शाम को 8 बजे प्रोग्राम पर आना नहीं भूलिएगा। ओके। पप्पू की मम्मी तू बड़ी निकम्मी। पप्पू की मम्मी तू बड़ी निकम्मी। तेरी जान को बच्चे रोते हैं तू खेले रम्मी। पप्पू की मम्मी तू बड़ी निकम्मी। फिर से बोलो तो। तेरी जान को बच्चे रोते हैं तू खेले रम्मी। पप्पू के पापा तू भूल के माता। पप्पू के पापा तू भूल के माता। ये लाइन लगा दी बच्चों की क्या मिला है फायदा। पप्पू की मम्मी तू बड़ी निकम्मी। तेरी जान को बच्चे रोते हैं तू खेले रम्मी। तेरी अदाओं ने सिखलाया मैं था आदमी बड़ा सीधा सादा। है तेरा दोष भी इसमें और रानी मुझसे ज्यादा। पप्पू के पापा ना बोल दिया था। क्या भूल गया तू चांद सितारों वाला वादा। वादा? कौन सा वादा? तेरी कसम खा के मैं करता हूँ वादा। तेरी कसम खा के मैं करता हूँ वादा। तेरी खुशियों पे सारी मैं खुशियाँ लुटा दूँ। सदा फूल बन के महकती रहे तू। तेरी ऐसी रंगीन दुनिया सजा दूँ। तेरी कसम खा के मैं करता हूँ वादा। कहीं तेरे मेरे प्यार की टूटे न सजना ये मरिया।
बड़ी निकम्मी, तेरी जान को बच्चे रोते हैं, तू खेले रम्मी। बेटे कहाँ से दे दूँ, तू किया था वादा, अब पापी ले दो, पापी ले दो। बेटी कहाँ से ले दूँ, नंगे पाँव मेरे कोई छूट नहीं है, इधर तो देखो दादी मेरी तत्व नहीं है, बस मुझको खाना भी तो मिला है आधा, और इस आधे में से दूँगा खाना घर में थोड़ा, खाने वाले ज्यादा, जितने थोड़े होते मिलता उतना ज्यादा, पप्पू की मम्मी, पप्पू के पापा, पप्पू की मम्मी, पप्पू के पापा, मम्मी पापा। अरे चुप करो, अरे बस, अरे बस करो भाई, अरे मेरा सर मत खाओ। साथियों, मैं आप सबका बहुत आभारी हूं कि आपने यहां आकर हमारे SMS मेडिकल कॉलेज के इस सालाना जलसे को सफल बनाया। आज के इस प्रोग्राम में पुरस्कार जीतने वाले हैं श्री रविराज और कुमारी सरिता। अब मैं अपने चीफ गेस्ट और आज के इस प्रोग्राम के जज श्री बलदेव राज जी से प्रार्थना करता हूं कि वो स्टेज पर पधारें और अपने ही कर कमलों से विजेताओं को इनाम देकर उनका हौसला बढ़ाएं। तो आइए बलदेव जी। सेक्रेटरी महोदय, साथियों, फिक्र मत कीजिए, मैं किसी भाषण से आप लोगों को बोर नहीं करूंगा, बल्कि सीधा उस काम पर आ जाऊंगा जिसलिए मुझे बुलाया गया है। पर मुझे किस लिए बुलाया गया? अजी वो आप, डोंट टेल मी, आई नो, पुरस्कार देने के लिए, पर किसे? अजी जो जो जीता है उसे। करेक्ट, कम हियर। मैं? या कम हियर। यस सर। हाँ, वो लड़की का क्या नाम है? अजी वो तो आप, डोंट टेल मी, आई नो, वो तो मेरी बेटी है, सरिता ना, सरिता, कम हियर। अरे अरे, गाते हुए नहीं शर्माई, इनाम लेते शर्माती है? किशोर, ये कौन है? साथियों साथियों, मैं उलझन में पड़ गया। कौन है ये? समझ में नहीं आता प्राइस। खत्म, चलो। तुम्हारा सर खत्म हो गया। ये वही बैरिस्टर है जिसने तुम्हारे डैडी की वसीयत तैयार की थी। तार किया था किसने? तुम चुप रहो जी। तुम्हारे डैडी और ये बैरिस्टर बड़े गहरे दोस्त थे। अच्छा, Here you are, ladies. Good. सुनो तो, कुछ मालूम भी है या नहीं? क्या बात है? अगले हफ्ते हमारे मामा जी पूरे 60 साल के हो जाएंगे। अरे तो इसमें क्या हुआ? जैसे कुछ हुआ ही नहीं। आज अगर उनकी अपनी संतान होती तो 60 साल पूरा होने की खुशी में षष्ठी पूर्ति मनाती। उनके तरफ हमारा भी तो कोई फर्ज है। भाई बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है। वैसे देखा जाए तो आज हम ही उनके संतान के समान हैं। इतनी जल्दी षष्ठी पूर्ति का मुहूर्त निकालोगे तो मेरा कोट बनेगा कैसे? मामा जी आप फिक्र मत कीजिए, कोट के बजाय सिल्क की धोती चलेगी और कुर्ता। कुत्ता? कुत्ता किस लिए? कुत्ता नहीं, कुर्ता। अरे जो तुम्हारी मर्जी वो मेरी मर्जी, बस। अच्छा तो मुझे आज्ञा दीजिए, मैं चलता हूँ। नहीं पंडित जी, चाय पी के जाइए। तुलसी, तुलसी, तुलसी। कितनी देर कर दी, बहरी हो गई है क्या, जवाब नहीं दे सकती?
तुलसी माँ, माँ, माँ ये क्या किया तुमने? तुलसी माँ, तुम क्यों छू रहे हो? थोड़ी देर में खुद ही उठ जाएगी। क्या इंसान है नाम की कोई चीज नहीं है तुम्हें? रवि, तुम्हें बात करने की जरा भी तमीज नहीं? माँ, अनजाने में चाय का प्याला गिर गया तो ये सलूक किया बेचारी के साथ आपने? देखिए देखिए कितनी चोट आई है, अगर कुछ हो गया तो क्या होता? न जाने इस जैसे रोज कितने मरते रहते हैं। माँ ऐसी बात मत कीजिए कि भगवान को भी बुरा लगे, ये भी हमारी तरह इंसान है। तीन चार रोज तुलसी माँ को यही रखना पड़ेगा, हॉस्पिटल ले जाऊंगा तो हजार किस्म की बातें निकलेंगी। आप लोग जरा इसका ख्याल रखिए, मैं भी जाकर इसके पति को लेकर आता हूँ। रवि, रवि रुको, मेरी बात तो सुनो। दिनू काका यहाँ संभाल कर आइए, आइए। ये है हमारा घर। तुलसी कहाँ है बेटा? वो शायद किसी कमरे में होगी, आप बैठिए ना, आइए बैठिए। यहाँ नहीं काका, यहाँ बैठिए, यहाँ बैठिए, मैं भी देख कर रहा हूँ। जल्दी आना बेटा। माँ कौन है तुम? मैं तुलसी से मिलने आया हूँ, रवि बाबू मुझे यहाँ लेकर आए हैं। पहचानते हो कौन है ये? मुझसे पूछो माँ, डैडी क्या बताएंगे? वो अपनी तुलसी माँ है ना, उनके पति दीनानाथ जी हैं। लेकिन तुलसी माँ कहाँ है? तुम्हारे डैडी ने जो गेस्ट हाउस बनाया है ना, उसी में लेटी आराम कर रही है। गेस्ट हाउस? अच्छा अच्छा किया आपने। चलिए दिनू काका, गेस्ट हाउस में चलें। ये कौन था बेटी? वो तुमसे पूछ रहे हैं, क्या तुम अपने बाप को नहीं पहचानते? कम से कम अपनी माँ को तो पहचानते हो ना? लता किशोर, आज मुझे पता चला तुम सिर्फ झूठे ही नहीं एक खतरनाक इंसान हो। मैं पूछती हूँ आज तक मुझसे क्यों छुपाए रखा, क्यों इतना बड़ा धोखा दिया? लता मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। मुझसे छुपा कर अपनी माँ को इतने साल इस घर में रखा, ये धोखा नहीं तो और क्या है? मैं जानती हूँ इसमें जरूर तुम्हारी गहरी चाल है। तुम जानते हो ना सारी जायदाद रवि के नाम पर है, इसलिए तुमने जानबूझकर रवि को अपनी माँ की निगरानी में रखा ताकि वो तुम्हारी माँ और तुम्हारे बाप के बनावटी प्यार के जाल में फंसकर मुझसे दूर हो जाए और तुम अपने माँ बाप के साथ मिलकर मेरी सारी जायदाद पे कब्जा कर लो, यही ना? लता लता तुम बेकार मुझे दोष दे रही हो, मेरी गैरहाजिरी में तुमने उसे नौकरी दी, मैंने उसे सिर्फ नौकरानी के रूप में देखा, हमेशा उसके साथ नौकरानी का सा बर्ताव किया, उन्हें माँ बाप कहते हुए मुझे शर्म आती है, तो मैं अपने बेटे से कैसे कह सकता हूँ कि वो उसके दादा दादी हैं? इसके बावजूद अगर तुम्हें शक है तो मैं भी उसे घर से बाहर निकाल देता हूँ। ठहरो, रवि से कुछ कहने की जरूरत नहीं है, उसे पता चला तो न जाने वो क्या करेगा। कल कॉलेज के लड़कों के साथ वो टूर पे कहीं बाहर जा रहे हैं, उसके जाने के बाद हम दोनों को घर से बाहर निकाल देंगे। आज दिन काका क्या हो बेटा, तुलसी कहाँ है? तुलसी माँ चारपाई पर लेटी हुई है, बात यह है कि घर में हवा नहीं आती है ना, इसलिए पिताजी ने यह हवादार कमरा बना दिया है। अच्छा किया, भगवान भला करे तुम्हारे पिताजी का। तुलसी कैसे हो तुम? दिनू काका तुलसी माँ सोई हुई है। अच्छा अच्छा सुने दो सुने, आप यहाँ बैठिए ना, बैठिए बैठ जाइए, मैं अभी आया। अच्छा तो ये बात है। हाँ कमाल है। रवि जी, ये बिस्तर किसके लिए है? उसके लिए जो इतने सालों से हमारे लिए बिस्तर लगाती आई है। तुम जानते हो वो कौन है? हाँ, और मुझसे ज्यादा आप सब जानते हैं उसे, वो प्यार और ममता की मूर्ति है। उसने सारी उम्र हमारी सेवा की और आपने उसका ये सिला दिया उसे कि जानवरों की तरह तड़प तड़प कर मरने के लिए उसे जमीन पर पटक दिया। आप लोगों ने तुलसी माँ की बेइज्जती नहीं की बल्कि मेरे दिल पर घुसा मारा।
मैं कहती हूँ तुम चारपाई नहीं ले जा सकते। तुम कौन होती हो बीच में बोलने वाली? रवि, बेटा क्या कर रहे थे तुम? कुछ नहीं दिनू काका, बुखार देख रहा था। तुलसी को बुखार है क्या? नहीं नहीं अभी नहीं है, अभी बिल्कुल ठीक है। ओह बेटा, मुझे तो डर लग रहा है इससे कुछ हो गया तो मैं बेसहारा हो जाऊंगा। नहीं दिनू काका, कुछ नहीं होगा। तुलसी क्या हो गया तुम्हें? मैं जानता हूं सब कुछ मेरे कारण हुआ, ना भगवान मेरी आंखें छीनते ना तुम्हारी यह हालत होती। तुलसी बेटा। हाँ जी। इसे होश क्यों नहीं आ रहा है? आ जाएगा होश दिनू काका, मैं खाना लाया हूँ, थोड़ा खाना खा लो। नहीं नहीं बेटा नहीं। क्यों, क्या तुम मेरे हाथ से नहीं खाना चाहते? नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है बेटा। तो फिर क्या बात है, सालों मैंने तुलसी माँ के हाथों खाना खाया, उसके बदले आज तुम मुझसे खा लो। देखो दिनू काका, तुम मेरे हाथ से खाना खाओगे ना तो मुझे बहुत खुशी होगी। लो खाना खाओ। तुम यहाँ कैसे आए? तुम्हें होश आ गया तुलसी? तुम्हें क्या हो गया था? कुछ नहीं, यही चक्कर आ गया था। रवि, तुम्हारे माता पिता ने इन्हें यहाँ आते हुए देखा था? हाँ हाँ देखा था। देखने के बाद उन्होंने कुछ कहा? कहेंगे क्या? नहीं, मेरा मतलब है उन्होंने पूछा होगा नहीं कौन है। हाँ हाँ पूछा तो मैंने बता दिया, ये तुलसी माँ के पति हैं। बता दिया। सुनो चलो घर चले। तुलसी माँ ये भी तो तुम्हारा अपना घर है, दो तीन दिन तुम चार पैसे नहीं उठोगी, तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है। नहीं बेटे अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लो डॉक्टरी मैं पढ़ रहा हूँ या तुम? देखो मैं दो दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, मैं पिताजी से कह दूंगा वो तुम्हारी अच्छी देखभाल करेंगे, और जब तक मैं वापस नहीं आऊँ तुम लोग यहीं रहोगे, ये तुम्हारी जिम्मेदारी दिनू काका। ठीक है बेटा, तुम फिक्र न करो, तुम्हारे आने तक हम दोनों यहीं रहेंगे। ये हुई ना बात। अगर बहू को पता चल गया कि हम दोनों कौन हैं, तो किशोर के सुखी जीवन में आग लग जाएगी। नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। नमस्ते। नमस्ते, आप लोग कौन हैं? ये लोग विद्यार्थी हैं, डॉक्टरी पढ़ते हैं, हमारे गाँव में सबको देखने। आप लोगों ने हमारे गाँव में आकर बड़ी कृपा की, हम गरीब गांव वालों को डॉक्टरों की बहुत जरूरत पड़ती है, फिर भी पता नहीं क्यों हम गरीबों के गांव में कोई भी डॉक्टर आकर रहता क्यों नहीं। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें सेवा से बढ़कर दौलत से प्यार है, मगर आप लोग घबराइए नहीं, जमाना बदल रहा है, अब डॉक्टर आपके गांव में आएंगे और आप सबकी सेवा करेंगे। देखो दिनू काका, तुम मेरे हाथ से खाना खाओगे ना तो मुझे बहुत खुशी होगी। रवि तुम्हारा काम खत्म हो गया? अरे हाँ। तुम बड़े खोए खोए से मालूम होते हो, क्या बात है? नहीं नहीं कोई बात नहीं। बात तो है मगर बताने में शर्म आती है, घर की याद सता रही होगी, माँ बाप का लाडला बेटा है ना। अरे तुम फिक्र मत करो, अब सारा काम खत्म हो गया, हम सब लोग कल यहाँ से चले जाएंगे। चलो। अच्छा नहीं किया तुलसी, उनको बिना बोले चले आए, वो बुरा मान जाएंगे। वो लोग ऐसे नहीं है जो बुरा माने। फिर भी वहाँ होते तो डॉक्टर तुम्हें देख तो सकता था। मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल। भगवान क्या कुछ नहीं हुआ तुम्हें, मैं पानी ला रहा हूँ। माँ माँ, अरे रामू माँ कहाँ है? घर में केहू नहीं है साहब, सब जने बाहर गए हैं। क्यों? आज आपके नाना जी 60 साल के हो गए हैं, उन्हीं की षष्ठी पूर्ति के त्योहार है ना आज, वही के इंतजाम करे खातिर सब कोनो बड़े हाल में गए हैं। अच्छा लेकिन तुलसी माँ और वो तो साहब वही दिन चले गए। लेकिन तुलसी माँ की तबीयत कैसी है? तुलसी
तुलसी माँ कैसी है? अच्छा वो तुम आगे बैठा, देखो ना बोलती नहीं है वो। तुलसी माँ, तुलसी माँ, अजी जल्दी से डॉक्टर लेगा जी। डॉक्टर साहब, तुलसी माँ होश में नहीं आ रही। देखिए रवि बाबू, इनके दोनों फेफड़े काफी खराब हो चुके हैं, बीमारी इलाज की हद से गुजर चुकी है। वैसे मुझे कहना तो नहीं चाहिए लेकिन लगता है ये अब चंदी गढ़ियों की मेहमान है। डोंट वरी, आई डू माय बेस्ट। क्या कह रहे हो बेटा? जिन का डॉक्टर साहब ने कहा कि तुलसी चंद घड़ियों की मेहमान है, वो मुझे छोड़ के चली जाएगी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। भगवान, उससे पहले तो मुझे मौत दे दे, तुलसी नहीं मार सकती। जिन का धीरे से रखिए, देखिए तुलसी में होश में आ रही। आइए बेटा, मैं जानती थी मेरे मुंह में गंगा जल डाले तो जरूर आएगा। मेरे पास आ बेटा, मैंने इतने साल तेरे घर में काम किया लेकिन बात सुनने के लिए तरसती रही। मुझे एक माँ के मुकाबले किशोर जा रही है। मुझे मुझे एक बार मांग के ले बेटा, एक बार मांग के ले। मुझे एक बार सिरे से लगा क्यों किशोर, एक बार सिरे से लगा क्यों किशोर। किशोर, किसका नाम ले रही हो तुलसी? आज तक तुम किसके यहाँ काम करती रही बोलो तो? क्या तुम उस शैतान का काम करती रही तुलसी? तुलसी में ये सब क्या है? तुमने मेरे घर के अलावा दूसरी जगह और कहाँ काम किया? बोलो तुलसी माँ, कौन है तुम्हारा बेटा? कौन है तुम्हारा बेटा तुलसी माँ? कोई नहीं। बोलो तुलसी माँ, कोई नहीं। तो फिर तुमने किशोर नाम क्यों लिया? ये क्यों कहा कि तुम उनके यहाँ काम करते रहे? तुलसी माँ, तुमने आज तक मेरे घर में काम किया और मेरे डैडी का नाम किशोर है। बेटा तुम्हें क्या कह रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ जिनू काका। हो तुलसी, बोलो सच्चाई क्या है? तुम आज तक किसके यहाँ काम करती रही तुलसी? बोलो तुलसी। तुम्हें मेरे सर की कसम, अगर झूठ बोला तो मेरा मरा मुझे। ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो। मैं अपनी बेटी के घर काम कर रही थी। ओह हे भगवान, तो आज तक तुम उस शैतान के यहाँ नौकरानी का काम करती रही। ऐसा मत कहो, मैं अपने आप को नौकरानी नहीं समझती। मैंने जो कुछ भी किया अपने बेटे और बाबू के लिए, और वहां मेरा पोता भी तो था। सभी मेरी मांग करता रहा। तुलसी माँ, मेरा बाप तुम्हारा बेटा है और मेरी माँ तुम्हारी बहू, और तुम उन दोनों की नौकरानी। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया तुलसी? मुझसे इतनी देर क्यों छुपा कर रखा? हे भगवान, इतने पूरे बोलो। नहीं बेटे, उन्हें बुरा मत कहो, वो तेरे माँ बाप है। क्या तुम दोनों उसके माँ बाप नहीं थे? लानत है ऐसी औलाद पर जो अपने माँ बाप को माँ बाप न कह सके। वो औलाद नहीं कसाई है जिसने अपने माँ का दूध पीने के बाद उसका खून भी पिया। खुनी ना मेरा बाप हो सकता ना तुम्हारा बेटा। मेरा बेटा उन्हें कुछ मत कहना कि हम कौन हैं।
तुमने बड़ा दुख होगा। तुलसी कोई भूल हो गई हो तुलसी, तो छुपा कर देना। तुलसी ऐसा नहीं कहते तुलसी, तुलसी तुलसी तुम नहीं जा सकती, तुलसी तुम नहीं जा सकते मुझे छोड़कर, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा तुलसी। ओ तुलसी 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 चली गई, तुलसी चली गई। यस, किशोर स्पीकिंग। आपकी माँ का देहांत हो गया है। मेरी माँ? क्यों, तुम्हारी कोई माँ नहीं थी? आप कौन है? जब आपने अपने सगे संबंधियों को नहीं पहचाना तो आप ये जानकर क्या करेंगे कि मैं कौन हूँ? सुनिए, आपकी माँ तुलसी जो इतने दिन आपके यहाँ नौकरानी बनकर रही, बड़े मंदिर के पास एक झोपड़ी में उनका देहांत हो गया है। आपका ये फर्ज है कि आप खुद आकर उनका अंतिम संस्कार करें। किशोर, मिनिस्टर साहब का फोन था क्या? नहीं। क्या बात है, तुम इतने परेशान क्यों हो? लता, मेरी माँ का देहांत हो गया है। माँ का देहांत? लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? किसी औरत ने मुझे अभी फोन पे बताया। लेकिन उसे कैसे मालूम हुआ कि वो तुम्हारी माँ थी? मुझे नहीं मालूम लता, मेरा ख्याल है कि मुझे वहां जाना चाहिए। किशोर, मरने वाली तो मर गई, अब वहां जाके क्या फायदा? लता, तुम ही बताओ मैं क्या करूं। सोसाइटी और समाज की नजरों में तो तुम्हारे माँ बाप कब के मर चुके हैं। अगर तुम वहां गए तो लोगों को पता नहीं चलेगा कि वो तुम्हारी माँ थी जिसको हमने इतने सालों तक अपने घर की नौकरानी बना के रखा। अगर ये बात पता चल गई तो हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। बेहतर यही होगा कि अंतिम संस्कार के लिए तुम दो चार आदमियों को वहाँ भेज दो। मैम साहब, मिनिस्टर साहब की गाड़ी आ गई। हार कहाँ है? किशोर, तुम हार लेके आओ, चलो। सब दीवारें तोड़ चले, तुझे मुबारक तेरी दुनिया, हम तो दुनिया छोड़ चले। मर कर भी ना भूल सकेंगे हम एहसान ये तेरा, तू मिले तो जिसे क्या ये है न्याय तेरा, दुनिया को दिए उजाले और मुझको दिया अंधेरा, तू मिले तो पूछूं तुझसे क्या ये है न्याय तेरा, दुनिया को दिए उजाले और मुझको दिया अंधेरा, मुझको दिया अंधेरा, मुझको दिया अंधेरा। जब अपनी औलाद ही पराई हो गई, जब मेरी तुलसी मुझसे मुंह मोड़कर दुनिया से चली गई, तो अब मैं किसी पर बोझ क्यों बनूं? मेरी जिंदगी में अब रखा ही क्या है?
बाबा बाबा जीनू काका बाबा तुम इधर जाओ मैं कितनी बदनसीब हूं आखिरी बार एक नजर देख भी न सकी पता नहीं किस बात की भगवान मुझे सजा दे रहा है इससे बढ़कर और पाप क्या होगा कि हम उस बाप की औलाद हैं जो अपने खून को अपना ना कह सका मैं तुझे बचपन से देखता रहा मगर ये न जान सका कि तू मेरी बहन है रवि अब तक जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाने की कोशिश करो ये नामुमकिन है मेरे माँ बाप भी उसी तरह तड़पेंगे जिस तरह उन्होंने अपने माँ बाप को तड़पाया मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगा जब खुद उन पर बीतेगी तब उन्हें अपनी करतूतों का एहसास होगा जब तक कांटा अपने पांव में न लगे उसके दर्द का अंदाजा लगाना मुश्किल है करेक्ट लेकिन जब आप बड़ों को सबक सिखाने जाएंगे तो क्या होगा No, don't tell me. डैडी ये मजाक का वक्त नहीं है अब आप ये बताइए कि आगे क्या किया जाए ये नक्शे है जवानी के बिना सोचे समझे बोलने लगी Witness, तुम्हारे नाना की वैसियत किसने तैयार की थी Don't tell me. मैंने उन्हें अपनी बेटी लता यानी कि तुम्हारी माँ पर बिल्कुल भरोसा नहीं था उनका ख्याल था कि उनके बाद तुम्हारी माँ ऐशो आराम में सारी जायदाद फूंक देगी इसलिए उन्होंने वैसियत में क्या लिख दिया डोंट टेल मी ये लिख दिया कि जायदाद की मालिक उनकी बेटी नहीं बल्कि बेटी की औलाद हो नाउ विटनेस लता की इकलौती औलाद कौन है नाउ टेल मी रवि रवि इसका मतलब क्या हुआ डोंट टेल मी मतलब यह है कि रवि के माँ बाप रवि के शिकंजे में हैं करेक्ट कैसे डोंट टेल मी वसीयत की वजह से तुम तो खामखां परेशान हो रहे हो अगर तुम्हारे पिताजी वहां नहीं है तो किसी दोस्त के पास चले गए होंगे चलो अच्छा ही हुआ अब किसी को पता ही नहीं चलेगा कि तुम्हारे असली माँ बाप कौन है माँ माँ मैंने सुना है कि अपनी नौकरानी तुलसी माँ मर गई उम्र ही मरने की थी अमृत पीकर थोड़ी ही आई थी वैसे तो अच्छा ही हुआ दुख और तकलीफ की जिंदगी से तो मौत कहीं ज्यादा अच्छी है लेकिन तुमने मुझे पहले खबर क्यों नहीं की वो कौन सी लार साहब की बेटी थी जो तुम्हें खबर करती कैसी बात करती हो माँ कुत्ता भी घर में रहता तो उसे प्यार हो जाता है हमें खबर मिलती तो मैं और डैडी जाकर कम से कम औरती को कंधे दे आते क्यों डैडी जो बात खत्म हो गई उसके बारे में चर्चा करने से क्या फायदा तुम आज कॉलेज क्यों नहीं गए कॉलेज में आज स्ट्राइक है क्यों उसका ताल्लुक भी हमारी नौकरानी से है उसका अंधा पति था ना दीनानाथ याद है ना डैडी हाँ तो वो तुलसी माँ के अंतिम संस्कार करने के बाद पागलों की तरह सड़क पे जा रहा था मेडिकल कॉलेज के सामने मेरी दोस्त की कार से टकरा कर मर गया मर गए हाँ लीजिए आप भी क्या अफसोस करने बैठ गए ऐसे कीड़े मकोड़े तो रोज ही मरते रहते हैं डैडी आखिर फिर हुआ क्या वही गरीबी अमीरी का चक्कर कार के शीशे तोड़ दिए आग लगाई हुल्लड़ मचा पुलिस की गाड़ी और लाश को ले गई साथ में मेरे दोस्त को भी अब आप ही बताइए डैडी इसमें मेरे करोड़पति दोस्त का क्या कसूर है सच पूछो माँ इस मुल्क की तमाम मुसीबतें इन गरीब लोगों की वजह से है मेरा बस चले तो इन कमबख्त गरीबों को एक जगह इकट्ठा करके ऊपर से एटम बम डाल दो किस्सा खत्म क्या माँ रवि आजकल तुम बहुत ज्यादा बातें करने लगे हो इसमें मेरा क्या कसूर है माँ डैडी ने कॉलेज के बारे में पूछा इसलिए बता दिया अच्छा मैं चलता हूँ जाकर दोस्त की जमानत भी देनी ओ हो आइए आइए आत्माराम जी आत्मा को तो तुमने परमात्मा याद दिला दिया ऐसी क्या बात है क्यों ऐसा कर रहे हैं आप तो ये भी मुझे बताना पड़ेगा बताते रहना बैठिए आइए अरे क्या बैठू तुमने तो मुझे लेटा दिया क्यों पहले कहते थे कि रवि 21 साल का हो जाए तो जायदाद का कुछ हिस्सा बेचकर कर चुका दूंगा तो भाई मैंने कब इनकार किया है आत्माराम जी आप ऐसा कीजिए
हमारी गांधीनगर वाली कोठी के लिए कोई ग्राहक ढूंढिए। लता देवी, सिर्फ गांधीनगर वाली कोठी बेचने से काम नहीं चलेगा। 1.5 लाख रुपए आप पर पुराना कर्जा है, 20,000 रुपए आपने षष्ठी पूर्ति पर लिए, सूद मिलाकर सब 2 लाख होते हैं। आप इसकी फिक्र मत कीजिए, आपकी एक एक पाई का हिसाब चुका दिया जाएगा। ठीक है किशोर बाबू, मैं चलता हूँ, लेकिन ऐसा ना हो कि मुझे कोई गलत कदम उठाना पड़े। आप फिक्र मत कीजिए। आत्माराम जी, आप जा रहे हैं ना, रास्ते में आपको दलीचंद फोटोग्राफर की दुकान मिलेगी, उससे कहना नाट्य सम्राट नटवरलाल गिरधर की षष्ठी पूर्ति के फोटोग्राफ जरा जल्दी से भेज दे। ठीक है। तुम्हारे बाप का नौकर है क्या? वो षष्ठी पूर्ति का कर्जा मांगने आया था और तुम्हें षष्ठी पूर्ति की तस्वीर उनकी पड़ी है। तस्वीरें अच्छी होंगी ना? लता, मेरे ख्याल में रवि को जायदाद और कर्ज के बारे में सब कुछ बता देना चाहिए। उसे बताने की कोई जरूरत नहीं, चुपचाप उससे दस्तखत ले लो ताकि सारी जायदाद हमारे हाथों में रहे। बिल्कुल ठीक है। ठीक है तो मैं ऐसा करता हूँ, रवि का दस्तखत लेकर गांधीनगर वाली कोठी को बेचने के लिए अखबारों में इश्तेहार दे देता हूँ। पागल हो गए क्या? आत्माराम का कर्जा उतारने के लिए मकान बेचने की क्या जरूरत है? उसके लिए मैंने दूसरा रास्ता सोचा है। दूसरा रास्ता? हाँ देखो, आत्माराम बहुत बड़ी जायदाद का मालिक है और उसकी सारी जायदाद की वारिस उसकी एकलौती बेटी मालती है। अगर रवि की शादी किसी तरह मालती के साथ कर दी जाए तो आत्माराम का कर्जा भी उतर जाएगा और उसकी सारी जायदाद भी हमारी हो जाएगी। रवि जी। बेटे सुनो तो, बेटे बात यह है कि हम तुम्हारी शादी की सोच रहे हैं। शादी इतनी जल्दी? हम चाहते हैं कि तुम्हारे नाना नानी के जीते जी तुम्हारी शादी हो जाए तो अच्छा है। क्या इसका मतलब ये हुआ कि मेरी शादी के बाद वो दोनों? अरे नहीं नहीं नहीं, ये तो उनकी इच्छा है। जो बुजुर्गों की इच्छा वो मेरी इच्छा, अगर वो चाहते मैं शादी करूं तो जरूर करूंगा। जीते रहो बेटे, आखिर मैं डैडी का बेटा हूं, आपके नक्शे कदम पर चलना मेरा फर्ज है। मुझे आशीर्वाद दीजिए डैडी, आज तक आप जिस रास्ते पर चलते आए हैं मैं भी उसी रास्ते पर चलूं। खुश रहो बेटा। और सुनो, कल शाम को 5 बजे तुम घर पे आ जाना। क्यों? अरे लड़की वाले तुम्हें देखना चाहते हैं। लड़की देखने की जरूरत क्या है भाई, दूल्हे को देखा नहीं जाता क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, वो दूल्हे को देखना चाहते हैं, फिर मैं जरूर आऊंगा। माय गॉड सर, लौवे 6 भी बज गए और अभी तक दूल्हा साहब का कोई पता नहीं। नटवरलाल जी, कहाँ है आपके नाती? ओफो, अब आपको जोर से बोलने की जरूरत नहीं, मैं आपसे अच्छा सुन सकता हूँ। मेरे नाती ने शादी की खुशी में मुझे सुनने की मशीन ला दी है। चलो अच्छा हुआ, अब चिल्लाना नहीं पड़ेगा। क्या जलाना नहीं पड़ेगा? इससे क्यों निकल रहे? रवि अभी तक नहीं आया। मैं आ गया जी। ये मेरे माता पिता हैं, ये मेरे नाना नानी हैं, और ये लोग मुझे देखने आए हैं। चलो नमस्कार करो। शाबाश। ये क्या बदतमीजी है? कौन है ये? ये मेरी पत्नी है और आपकी बहू। हमारी बहू? रवि, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? कैसी बात करती हो माँ, अगर दिमाग खराब हो गया होता तो फिर मैं शादी कैसे करता? क्या तुमने शादी कर ली? हाँ नानी, आप दोनों मेरी शादी के बाद मरना चाहते थे ना, इसलिए मैंने जल्दी शादी कर ली। ये शादी? अच्छा होता हम तेरी शादी देखे बगैर ही मर जाते। रवि तुम होते कौन अपनी शादी करने वाले? आपका बेटा। रवि, अभी आप ही बताइए आत्माराम जी, माँ बाप की इच्छा को पूरा करना बेटा का धर्म है कि नहीं? अरे भाड़ में गए तुम और तुम्हारा धर्म। चलिए जी, बात हो चुकी। आत्माराम जी, घर बुलाकर आप लोगों ने जो हमें मान दिया है उसका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन अब अपनी मुलाकात अदालत में होगी। और आत्माराम जी, किशोर बाबू, शादी करके कर्ज चुकाने की स्कीम तुम्हारी फेल हो गई, और अब अगर तुम कर्ज चुकाने में फेल हुए तो मैं तुम्हें अदालत में ले जाने से फेल नहीं हूँगा, समझे? चलो। अरे आत्माराम जी, आत्माराम जी, आत्माराम जी। नाना, आत्माराम को मारो गोली, आशीर्वाद देते जाओ। रवि, ये क्या तमाशा लगा रखा तुमने, ना नाम ना खानदान, उठा लिया कहीं से किसी लड़की को और बना लिया अपनी बीवी? नहीं पिताजी, इसका नाम भी है, इसका खानदान भी है, पता ना अपना नाम? बिजली। देखा पिताजी, इसका नाम है बिजली, इसकी माँ का नाम था बदली और इसके बाप का नाम है जोरावर सिंह फांसी वाला। वो अपनी सेंट्रल जेल है ना, वहाँ कातिलों को फांसी लगाया करते थे, लेकिन ज्यादा दारू पीने की वजह से निकाल दिए गए। रवि, तू हद से ज्यादा बढ़ रहा है। मामी जी, मुंह क्या देख रही है, उठाकर फेंको इस लड़की को बाहर। ए सूखी करेला, वही जमीरे, नहीं तो सारी बिजली जरा भी करके ना
तो जलकर राख हो जाएगी। अरे कीड़े पड़ेंगे तेरे मुंह में, तू मुझे जलाकर क्या राख करेगी? चला एक तो हमारे भोले भाले लड़के को खा लिया, यहाँ से भाग। अरे प्लीज प्लीज, अरे माँ प्लीज, बिजली से टकराने की कोशिश मत करो, इसका गुस्सा बहुत डेंजरस है। देखो सब झगड़ा खत्म करो, ये आपकी बहू है, इसे मान सम्मान से ऊपर ले जाओ। मान सम्मान से ऊपर ले जाओ? मैं इसे जेल भिजवा कर रहूंगी, अभी बुलाती हूँ पुलिस। चाहे इसे घर में रखो या जेल में भिजवाओ, ये शादी टूटने वाली नहीं है, क्योंकि हमने रजिस्टर शादी की हुई है। रजिस्टर मैरिज? फिर तो कुछ नहीं हो सकता। मामा जी आप चुप बैठिए। मैंने कुछ नहीं बोला। क्या तुम्हारे माँ बाप मर गए थे कि जो तुमने अपनी मर्जी से शादी कर ली? ये कोई नई बात नहीं है डैडी, बहुत से बेटों ने अपने माँ बाप की पसंद की लड़की को ठुकरा कर अपनी पसंद की लड़की से शादी की, और जब माँ बाप ने एतराज किया तो उन्हें साफ साफ कह दिया कि आप हमारे लिए मर गए, आप जेल में जाइए। लेकिन मैंने तो कोई ऐसी बेद भी नहीं की, शादी के बाद सीधा चला आपका आशीर्वाद लेने। कि कौन है तुम्हें बहकाने वाला? इतनी लंबी लंबी बातें करना तुमने कहां से सीख लिया? आपसे। अब देखिए ना डैडी, बेटा तो आप ही का हूं, आखिर मुझ में कुछ ना कुछ असर आपका तो आना ही चाहिए। हा? बदतमीज नालायक! ए ए, मेरे खसम पर हाथ उठाए ना तो कसम से बार मार के चटनी बना दूंगी मैं। निकल मेरे घर से, मैं तेरी सूरत भी देखना नहीं चाहती, निकल चुड़ैल। माँ माँ, एक बार कदम इस घर से बाहर गए तो फिर वापस नहीं आए। तो जान निकल, मुंह खड़ा कर यहाँ से। जाता हूँ, अब आप लोग मेरे पाँव भी बढ़ेंगे ना तो भी वापस नहीं आऊंगा। चल मेरी बिजली। रवि तू इसके लिए अपने माँ बाप को छोड़ के जा रहा है? मैं अपनी बीवी को अपने माँ बाप से ज्यादा प्यार करता हूँ, मैं इसे एक मिनट के लिए भी नहीं छोड़ सकता। देखता हूँ कब तक नहीं छोड़ोगे इसे, भूखे मरोगे तो होश ठिकाने आ जाएंगे, फिर रोटी के टुकड़े के लिए माँ का दामन पकड़ोगे। मैं किसी भिखारी के यहाँ नहीं पैदा हुआ, मैं तो जन्म से ही रईस हूँ। शेर भूखा मर सकता है लेकिन घास नहीं खा सकता। अरे साला, तू तो गजब का बोले तेरे। अरे चुड़ैल, बेटे को माँ बाप से अलग करके हंसती है, बेशरम। ये माँ बाप है सारे चोर लगत है सकल से, खत्म। हाँ, सर्रक इस नरक से। सर्रक चला गया, इस घर को आग लग गई, घर के चिराग से, जायदाद उसके नाम और कर्जा तुम्हारे नाम, अब क्या होगा? आप घबराइए नहीं, उसका बाप भी वापस आएगा। बाप तो यहाँ मौजूद है। मामा जी, लता मुझे लगता है वो कभी वापस नहीं आएगा, उस कमबख्त को जरूर कोई बहका रहा है। जितना दबोगे उतना ही दबाए जाओगे, हिम्मत और समझदारी से काम लो। 1001 रास्ते हैं जायदाद पर कब्जा पाने के लिए। ये नक्शे है जवानी के। हाँ डैडी, जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो मेरा ड्रेस, मेरी चाल ढाल देखकर तो वो बिल्कुल घबरा गए थे, है ना? करेक्ट। आखिर बेटी किसकी हो? कॉलेज के जमाने में मैं जब स्टेज पर जाता था तो सारा हॉल थर्रा जाता था, ऑटोग्राफ के लिए लड़कियों की भीड़ लग जाती थी। वकील साहब! अरे लगता है नाना जी आ गए, डैडी मम्मी साथ में होंगे, हम लोग छुप जाते हैं, चलो। वकील साहब! नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। बैठी बैठी बैठी, आपने तो मुझे पहचान लिया होगा। अरे हाँ हाँ, आपको कैसे भूल सकता हूँ? मुझे तो कोई भी नहीं भूल सकता। नहीं, नहीं। मैंने इंदर सभा ड्रामे में नीलम परी का पार्ट किया था, आपको तो याद होगा। अरे हाँ, कौन है आप? जी मैं, मेरा नाम नटवर लाल। नटवर जी, वो आप कुंवर महेंद्रनाथ को तो जानते होंगे। हाँ हाँ, याद आ गया, याद आ गया। कुंवर महेंद्रनाथ से आपका वास्ता क्या है? डोंट टेल मी, आई नो एवरीथिंग। वो आपके समधी थे हा? और आप हैं उनकी लड़की, और ये डोंट टेल मी आई नो एवरीथिंग। हाँ तो कहिए, कैसे आना हुआ, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? कोई खास बात नहीं बलदेवराज जी, लेकिन आप ही ने हमारे ससुर का वसीयतनामा तैयार किया था ना? जी हाँ। मेरा लड़का बालिग हो गया है। वेरी गुड। वो डॉक्टरी पढ़ रहा है। वेरी गुड। उसने एक गंवार लड़की से शादी करके हमारे खानदान की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया है। वेरी गुड। अरे वकील साहब, आपका ध्यान किधर है? वेरी गुड। अरे ओ, आई एम सॉरी। हाँ बताइए, क्या किया आपके बेटे ने? वकील साहब, वो एक नियाहती गंवार और जाहिल लड़के से शादी करके उसे घर में ले आया था, हम लोगों ने उन दोनों को घर से बाहर निकाल दिया है। बलदेवराज जी, क्या क्या ख्वाब देखे थे हमने उसके लिए, कितने लाड प्यार से पाला था उसको, मगर उसने हमारी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। उसने बहुत बुरा किया, बहुत बुरा किया। आपने अच्छा किया जो उसे घर से निकाल दिया।
ये तो ठीक है बलदेव राज जी के हमने उसे घर से निकाल दिया है, लेकिन मुश्किल ये है कि सारी जायदाद उसके नाम है और तमाम कर्जे हमारे सर पर। जी, उसके दस्तखत के बगैर हम एक ईंट भी नहीं बेच सकते। वेरी बैड, वेरी बैड। ऐसी औलाद को तो गोली मार देनी चाहिए जो अपने माँ बाप को जलील करे। क्यों, क्या ख्याल है आपका? ठीक कह रहे हैं वकील साहब, लेकिन माँ बाप अपनी ही औलाद को अपने हाथों से कैसे मार सकते हैं? इसी मसले को हल करने के लिए हम आपकी मदद लेने के लिए आए हैं। जरूर जरूर, आप लोग इतने घबरा क्यों रहे हैं? साफ साफ बोलिए ना, क्या बात है? बात यह है वकील साहब कि हमारी किस्मत के ताले की चाबी रवि के हाथ में है। कोई ऐसा उपाय बताइए के बगैर चाबी के ताला खुल जाए और जायदाद हमको मिल जाए। हाँ, तब तो आपको पावर ऑफ अटॉर्नी चाहिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, इससे अच्छा क्या होगा कि नालायक औलाद को सबक दिया जाए। और फिर पर एक अड़चन है जी। आप में से किसी को आपके बेटे का सिग्नेचर करना पड़ेगा। ओ, वो मामा जी कर देंगे। मामा जी कर दीजिए ना। क्या बात कर रही हो? जब से षष्ठी पूर्ति हुई है ना, ये हाथ कांपने लग गया है, सही नहीं हो सकती। तुम कर दो ना बेटा, कर दो कर दो। हाँ हाँ, ये तो और अच्छा है। लीजिए, इस पर दस्तखत कर दीजिए। लीजिए। अरे वाह, ये तो बिल्कुल जाली दस्तखत नहीं लगते हैं। बस। अभी आप लोग बेफिक्र होकर घर जाइए और जायदाद बेचने की तैयारी कीजिए। इधर के कानूनी चक्कर मैं देख लूंगा। आपका ये एहसान मैं जिंदगी में नहीं भूलूंगा। ये तो कुछ भी नहीं है। मैं आपके लिए वो करने वाला हूँ जो आप जन्म जन्मांतर तक नहीं भूल सकेंगे। हमें आपसे यही उम्मीद है। थैंक यू। चलो। अच्छा, ईश्वरलाल जी घर से निकल चुके हैं, यही आ रहे हैं, अच्छी बात है। अरे भाई, ईश्वरलाल घर से निकल चुका है, थोड़ी देर में यही आने वाला है। ठीक है, लेकिन उसको जाली दस्तखत का पता चल गया तो? मामा जी, कई बार कहा कि ऐसी बातें जुबान पर मत लाइए, अगर किसी ने सुन लिया तो। बिल्कुल ठीक, वाकई हम लोग बड़ी मुसीबत में आ जाएंगे। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं, अपना बंगला गांधीनगर वाला 4 लाख में बहुत सस्ता है, वो जरूर खरीद लेगा। लो, ईश्वरलाल जी आ गए। आइए आइए ईश्वरलाल जी, बैठिए। अजी बैठना बैठना क्या, मैं तो आप लोगों को भला आदमी समझा था, मगर मुझे क्या मालूम था कि आप मुझे धोखा देकर वो कोठी मेरे सर मरना चाहते हैं। वो तो अच्छा ही हुआ कि बर वक्त मुझे आपकी जालसाजी का पता चल गया। इसको जाली दस्तखत का पता चल गया। मामा जी, सौदा पक्का करके जबान से फिरना चाहते हैं आप? इसे पढ़िए आप, फिर आपको अपनी और मेरी जुबान का अंदाजा हो जाएगा। मामा जी पढ़िए। गांधीनगर में प्लाट नंबर 9 पर बनी हुई कोठी बनाम शीश महल और उसके अतराफ की सारी जमीन मेरी मिल्कियत है। इस पर सारे इख्तियारात मेरे हैं। मुझे कुछ ऐसा पता चला है कि कुछ नकली लोग झूठी पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए उसे बेचना चाहते हैं। मैंने किसी शख्स को भी पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं दिया है, इसलिए पब्लिक को मैं यानी कि रवि कुमार आगाह कर रहा हूँ कि 420 से होशियार रहिए। रवि कुमार, अब बोलिए, अब कहिए, आप मानते हैं? महाराज जी, देखिए शुलाल जी, सारी जायदाद मेरी है, मैं उसकी मालकिन हूँ। अगर आपको हम पे भरोसा है तो खरीदे वरना चल गई। जानबूझकर जहर कैसे पी लूं? बस मुझे माफ कीजिएगा और मेरे पेशगी के 20,000 रुपए मुझे अभी और इसी वक्त वापस कीजिए, बस। आप जा सकते हैं, रुपया आपके घर पहुंच जाएगा। ठीक है, नमस्ते। रवि को दस्तखत के बाद कैसे मालूम पड़ी? मामा जी, मैंने नहीं, नहीं, मेरी कसम मैंने नहीं बताया। फिर कौन हो सकता है? बलदेव राज के सिवा और कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। मैंने सोचा था आप शरीफ आदमी बलदेव राज जी, मुझे खबर नहीं थी कि इतना धोखा देकर आप हमारी गर्दन काट देंगे। आहिस्ता प्लीज, आहिस्ता बोलिए। क्यों? डोंट टेल मी, क्योंकि कल रात से मुझे हाई ब्लड प्रेशर है और यह हाई ब्लड प्रेशर सिर्फ आपकी औलाद की वजह से हुआ है। अरे साहब, उस ससुराल तो डाकू है, डाकू। एक हाथ में छुरा, दूसरे में पिस्तौल। पिस्तौल और क्या, सीधे आकर छुरा मेरे पेट पर और पिस्तौल मेरे सर पर रख दिया। कहने लगा पहले अंतड़ी निकाल दूं या भेजा उड़ा दूं। ये रवि ने आपसे कहा? नहीं तो क्या, मेरे बाप ने कहा? तो मैंने हाथ जोड़कर कहा, अरे अरे, मेरा कसूर क्या है ये तो पहले बता दे। तो कहने लगा, मेरे बाप से जाली दस्तखत करवा कर मुझे जायदाद से बेदखल करना चाहते हो?
तो मैं सीधा उसके पैरों पर गिर गया और गिड़गिड़ाकर कहा, यह आइडिया मेरा नहीं तेरे बाप का था। लेकिन हमारी सारी बातों का पता उसे कैसे चला? आप भी मुझसे पूछ रहे हैं, इनसे पूछिए ना। उसे तो यह भी पता नहीं था कि यह जायदाद उसके नाम है, फिर उसे यह कैसे पता चल गया कि दस्तखत मैंने किए हैं? इन सब बातों को छोड़िए बैरिस्टर साहब, पहले ये बताइए कि वो कागजात कहाँ हैं। अरे उन्हें वापस देकर तो मैंने अपनी जान बचाई। आपने वो जाली दस्तखत वाला पेपर उसे दे दिया? और क्या, मरता क्या ना करता। इसका मतलब किशोर की जान को खतरा है? सिर्फ किशोर की ही नहीं, हम सब की जान को खतरा है। उसने कहा है मैं अभी पुलिस में जाकर आप सबके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट निकलवाता हूँ। गिरफ्तारी? क्या अभी तक आपको वारंट नहीं मिला? वारंट? बैरिस्टर साहब, आप ही हमें इस मुसीबत से निकलने का कोई रास्ता बताइए, मैं आपके पांव पकड़ता हूँ। मेरे पैर पकड़ने से क्या होगा, अब तो आपकी मुसीबतों का एक ही इलाज है, आप जाकर आपके बेटे के पैर पकड़िए। ये नामुमकिन है। वेरी गुड, तो जाली दस्तखत के जुर्म में आप जेल जाएंगे। जेल जाएंगे? ये हरण कश्यप के घर में प्रहलाद कहाँ से पैदा हो गया? मैं कहता हूँ जी छोड़ दो, चलो। मैं नहीं जाऊंगी, आप लोगों को जाना होते जाइए। ओफो, जेल जाने से तो उसके पास जाना अच्छा है। चलो किशोर तुम चलो, चलो। मगर जाए कहाँ? हाँ, उसकी बातों से पता चल रहा था कि बड़ी जेल के पिछवाड़े शराब खाने के पास एक झोपड़ी में वो रहता है। उसके ससुर का नाम है जोरावर सिंह फांसी वाला। गुरु, कुछ लोग आपसे मिलने आए हैं। अबे देखो भाई, हम पी रहे हैं, इस वक्त हम किसी से नहीं मिल सको। कपड़ों से लगता है कुछ बड़े लोग हैं। अबे कपड़ों का बच्चा जोरावर सिंह फांसी वाला से कौन बराबा? फिर ऐसा बकवास कर बो तो फांसी लगाई दी। वो नमस्ते फांसी वाले। हम रवि को लेने आए हैं। भेजो भाई राजा। हाँ। राजा आ गया। हाँ ससुर जी। कौन है ये मच्छर? ससुर जी ये मच्छर नहीं, ये मेरे बापू हैं, ये मेरे नाना हैं। बेटे तुम्हारे घर छोड़ने की रकम में तुम्हारी माँ बहुत बीमार हो गई है। बीमार हो गई तो हम क्या करें, वो कल की मरती आज मर जाए, मेरा कसम कहीं नहीं जाएगा, उसकी चिता को आग लगाने में नहीं जाएगा। देखो बेटे, अगर तुम ना आए तो जगनसाई होगी। चलो बेटे। अगर घर बुलाना ही था तो घर से बाहर निकाला क्यों था? मुझे क्या शतरंज का मोहरा समझ लिया है कि जैसे आपकी मर्जी होगी वैसी चाल चलेंगे? अब उस घर में कदम रखना मेरे बस की बात नहीं है, अब जैसा ये चाहेगी वैसा ही होगा। पारसी वाले महाराज जी, आपसे हमारी विनती है कि आपकी बेटी और हमारे बेटे को घर भेजने की कृपा करें। अबे तू कौन बाप बीच में टेटे करने वाला? मैं इसका नाना। अबे जाना, बीच में टांग अड़ाता है, इसे बोलने देना, बोल। देखिए मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप अपनी बेटी यानी हमारी बहू को भेज दीजिए, जिससे कोई तकलीफ नहीं होगी। ठीक है, पर याद रख, हमने अपनी बिजली को फूलों के सेज पर पाला है, अगर इसको जरा भी तकलीफ भई ना तो वही आकर सबको फांसी में लटकाई दी वो। हाँ समझी हो? जी, जी। चुप बे। अबे बिजली, अबे बिजली, जा जा अपनी कसम के साथ जा, पर याद रख कोई तुझसे जोर से बोले तो गर्दन नाप लेना। अरे बापू, गर्दन नापना तो तेरा काम है, मैं तो गंडा से गर्दन ही अलग कर दूंगी। खत्म, चलो चलो चलो। जीती रहो बेटी, जीती रहो। अच्छा बाबू, जीती रहो। अरे छोटी मालकिन कहाँ है? उनके खातिर दही ले आए रहें। अभी तो यही थी, कहाँ गई? टेबल के नीचे तो नहीं है? नहीं। मैं हिया हूँ मरे राजा। ए मौका देखे थे, इधर आजा। ए नीचे उतरो। तू कौन होती बीच में बोलने वाली? हाँ मैं तो इधर ही बैठकर खाऊं। वहां क्यों, हमारे सर पे बैठ के खाना। सर पे काहे, तेरी छाती पर बैठकर ना खाऊं। बिजली रानी, खाते वक्त गुस्सा मत किया करो, नहीं तो खाए पिया नहीं लगता। चलो गुस्सा थूक दो। हाँ तू कहता तो मैं थूक देती। हाँ
ए, इधर। अरे आते हैं कि नहीं? ले पकड़, इसे ले जाके धो डाल। तेरी झूठी प्लेट मैं धोऊंगी और नहीं तो का तेरा खसम धोएगा। ले जल्दी पकड़। पकड़े मेरी जूती, जा अपनी प्लेट खुद धो ले। का मैं इसे धोऊंगी? हाँ मैं धोऊंगी। हाँ हाँ तू धोएगी। मैं धोऊंगी, मैं धोऊंगी इसे, ये मैं धोऊंगी। अरे 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 बचा, अरे बचा, मौका दे कैसे? आज तो पैसा हो गया रहेगा। बोल ये घर इन सबका है क्या? हमारा है। हमारा है, हमारा है। तो ये बंदर यहाँ क्या कर रही है? तुम बहुत बदतमीजी से बात कर रही हो, जानती हो उसका नतीजा क्या होगा? ज्यादा अकड़ोगे तो सबके सब इस घर से बाहर निकाल दिया जाओगे। हाँ इज्जत इसी में है कि चुपचाप खाओ और पड़े रहो। खत्म, आज से इस घर की गुंजी हमारे पास होगी। हाँ, हाँ, क्यों नहीं? ए, चाबी इधर दे। मैं चाबी हरगिज नहीं दूंगी। ये घर मेरा है, चाबी मेरे पास रहेगी, समझी? नहीं देगी, नहीं दूंगी, नहीं देगी, कह दिया ना नहीं दूंगी। खत्म, मैं तो चली। बिजली क्या कर रही है तू? मैं तेरे बगैर नहीं रह सकता। जाने दो रवि, इस बला से हम सबको छुटकारा मिलेगा। मैं इससे हजार गुना अच्छी लड़की से तुम्हारा ब्याह कर दूंगा। क्या दूसरी लड़की से इसका ब्याह करेगा? खैर मैं भी बापू के पास जाती हूँ। तेरे लिखे हुए कागज बापू के पास है। तुझे जेल में चक्की ने पिसवाया तो मेरा नाम भी बिजली नहीं, समझे? बिजली क्या कर रही है? मैं चाबी दे दो ना। मैं चाबी नहीं दूंगी, तो मैं चली। बिजली घर से चली जाएगी, चाबी दे दो। चाबी दे दो ना। कैसे नहीं दोगी चाबियां? ये मेरा घर है और मैं इस घर का मालिक हूँ, और ये मेरी बीवी है इस घर की मालकिन। चाबियां इसके पास रहेंगी, लो चाबियां दो। मैं भी तो तेरी माँ हूँ रवि। मैंने कब इनकार किया इस बात से, लेकिन मैं अपनी बीवी का दिल नहीं तोड़ सकता। लो चाबियां दो। मैं कह दो चाबियां दो माँ। ये लो चाबियां, अब तो खुश हो? मेरा तो सच चकरा रहा है। रामू एक गिलास लस्सी लेकर आना। और मेरे लिए दो गिलास। ये तुम्हारे लिए हम लोगों से बढ़कर हो गई, तू भी जोरू का गुलाम हो गया। हाँ इसमें क्या शक है? ठीक है तो तुम दोनों बैठ के खुशियां मनाओ। चलो। मेम साहब नमस्ते, ये हमारे सेठ जी ने 2000 दुकान का किराया भेजा है। मुनीम जी अगले महीने से आप यहाँ किराया मत लाया कीजिए। चुनीलाल जी से कहिएगा मैं खुद ही माल लेने आ जाया करूंगा। जैसी आपकी मर्जी सेठ जी, अगले महीने से यहाँ एक फूटी कौड़ी नहीं आएगी। अबे इधर अगर एक फूटी कौड़ी नहीं आई तो तुझे तेरे सेठ चुनीलाल के साथ चूना लगाकर दुकान के बाहर फेंक दूंगा, समझे? तुम्हारी बात मेरे पल्ले नहीं पड़ी छोटे सरखा। नहीं पड़ी तो इधर देखो, सब समझ में आ जाएगा। ये छोरी, इस छोरी से किराए का क्या ताल्लुक? अबे छोरी बोलता है? ये छोरी नहीं मेरी बीवी है, इस घर की मालकिन, और अगले महीने से किराया उधर नहीं इधर आना चाहिए। मेरा क्या सरकार, बोलो तो किराया काले चोर को दे दो। हमार खाओ और हम रही जा खाटो। कसम तेरी कसम, जी करे से निकाल बाहर करो इन सब। बिजली बिजली ऐसा मत कर, ऐसा मत कर बिजली, ऐसा मत कर। अच्छा एक शर्त पर टिकने दूंगी इन सबको। वो क्या? सबको काम करना पड़ेगा। हाँ ये बेचारे कैसे काम करेंगे? क्यों नहीं करेंगे, मैं पूछत हूँ, अपना काम करने में कौन हर्ज है? हर्ज? हाँ हर्ज तो कुछ नहीं है, ठीक है काम बांट दो सब में। बांट देती हूँ। रामो बिरजू धनिया सब इधर आओ। जी छोटी मालकिन। आज से तुम सबकी छुट्टी। छुट्टी कहाँ खता भाई मालकिन? छुट्टी बोले तो छुट्टी, पूछने का नहीं। पैसा लो और हवाने दो। इन्हें निकाल देगी तो काम कौन करेगा, तेरा बाप? हराम खोर, तू क्या मर गई है? तो मेरा बापू काम करेगा? हाँ आज से झाड़ू बर्तन तू करेगी। क्या? अब सासू माँ खाना पकाएगी। क्या कहा चूड़े? मैं झाड़ू बर्तन करूंगी और मेरी फूल जैसी बेटी खाना पकाएगी? और नहीं तो का, हमारे खानदान की रीत है कि खसम की माँ ही रसोई घर संभालती है। जा जाकर काम कर। जानू ए तू कौन होती हुक्म चलाने वाली? क्यों तेरे बुरे दिन आए हैं क्या? मेरे को कहीं गुस्सा आ गया तो मैं तेरे झाड़ू बर्तन करवाऊंगी, समझे? मुंह क्या देखते हो, जाओ ना जाओ। ये सब नहीं, तू यहाँ से निकलेगी। भगवान ने मुंह दिया है, हाथ को क्यों इस्तेमाल करते हो? इसका मुंह नहीं, कंधा है, कंधा। तेरा का जबान चले तो तेरी जबान खींचूंगी। देख लिया अपने घर वालों का बर्ताव, तेरे सामने ही चुड़ैल मुझे खाने को दौड़ती है, तूने होगा तो मार ही डालेंगे। अरे बिजली, अरे नहीं बिजली चुप हो जाओ, बिजली
चुप हो जाए, हम ऐसा नहीं करेंगे। अब मैं इनका भरोसा नहीं कर सकती रे, कसम नहीं कर सकती। अब इसका मैं आते रहेंगे या मैं? नहीं बिजली नहीं, बिजली रहम कर, ये मेरे माँ बाप है। माँ बाप है? अच्छा तेरे माँ बाप यहाँ रहेंगे तो मेरा बाबू भी यही आ गया। ले आओ जल्दी ले आते। चुप करो माँ, देखो कितनी परेशान है। ए, कौन तुम? अंदर कैसे घुस आए हो? तुम्हारे बाप का घर है क्या? मैं तुमसे बात कर रही हूं, इंसान हो या जानवर? उठो यहां से। सी, ये क्या कर रहे हो? सुना नहीं तुमने क्या कहा इन्होंने? निकल यहां से नहीं तो पुलिस को बुलाऊंगी। बड़ी लंबी जबान है तेरी, जम्बूरे इसकी गर्दन नाप ले, फिर देख कौन सा फंदा ठीक रहेगा। फंदे के बच्चे, मैं तेरा सर फोड़ कर रख दूंगी। ए, 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 जानत नहीं कौन है? बापू 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 बापू, इन्हें माफ कर दीजिए, मेरी माँ है, शायद आपको पहचाना नहीं। तूने तो पहचान लिया है ना? जी। फिर भी तन कर खड़ा है, पैर ना ही छुपो। छुपो बापू, माफ कर दो। कल्याण कल्याण, हम का निमंत्रण तो ही के तुम दोनों कहाँ लुप्त हो गए थे? बापू आपके लिए दारू की बोतल लेने गए थे। ताकि तेरा नशा पानी बराबर रहे बापू। औलाद हो तो ऐसी बाप का कितना ख्याल करती है ससुर। बापू आपका कमरा तैयार है, चलो 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 चलो। एकदम एयर कंडीशन। ए जमाई राजा, एयर कंडीशन कहाँ बा? वो बापू बर्फ का कमरा है, बर्फ का। स्वर्ग का मजा आएगा तेरे को। रवि ये बंगला ऐसे गंदे लोगों के लिए नहीं बनाया गया है। माँ इस बात को आपसे और मुझसे ज्यादा मेरे नाना समझते थे, जिन्होंने मुझे इस जायदाद का मालिक बनाया। रवि चलिए ससुर जी। ए बिजली, इस घर में खाना कौन पकावा था? यही दोनों बापू। पकड़ी हो? मैं फेंका तो ना धरा ना ही। उठा नहीं तो फंदा लगा कर लटकाई दी बो। माँ जल्दी से उठाकर नानी को दे दो, नहीं तो काट कर बलि चढ़ाई बो। उठाओ था ये नहीं। बापू के लिए एक मछली तल कर ला जादू के साथ खाने के लिए, और एक मछली रस्से वाला बना रात के खाने के लिए, समझे क्या? नहीं हा? चल बापू, इन गंदे कमीनों के साथ इस घर की चार दीवारी में मैं एक पल भी नहीं रह सकती। और करे भी क्या, अब तो उनके रहम पर हैं। इतनी आराम की जिंदगी गुजारने के बाद ना कहीं हम मजदूरी कर सकते हैं, ना कहीं भीख मांग सकते हैं। यहाँ रहकर कम से कम इज्जत तो बनी रहेगी। नमस्ते जी। नमस्ते। रवि बाबू ने दिवाली कपड़ों का ऑर्डर दिया था, वही लेके आया हूँ। अच्छा, सुनते हो लता बेटी? किशोर देखो तो सही, रवि ने कपड़े मंगवाए हैं हम लोगों के लिए दिवाली के। ये बिन मौसम बरसात, तुम तो हर खुशी के मौके पे छींक देते हो। देखो हाथ मत लगाना उसे, लगे मुंह फाड़ फाड़ कर चिल्लाने। देखो रवि हमारे लिए कपड़े लाए हैं। अरे कफन नहीं पहना दूंगी तुझे मैं। बापू क्या बात है रानी बिटिया? बोल बोल। अरे बोलू का बापू, जल्दी से भाग कर इधर आ जा। ये आया। अरे ससुरी इन कपड़ों में तू तो बड़ा गजब ढा रही है। ऐसा ना ही बोला कर बापू, हमका सारा मावत है। अरे तू सिर्फ आरती उतारती रहेगी या तिलक भी लगाएगी? बापू ये छोटा सा भेंट हमारी तरफ से स्वीकार कर। स्वीकार करो करो करो, दियो 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 दियो, गले में दियो। हाँ ये लीजिए, और ये आपके लिए, और ये दो हमारे लिए। बापू हम दोनों को आशीर्वाद दीजिए। पैर नहीं छुबो। छुबो, खुश रहो, आबाद रहो, यही रहो, चाहे फर्क आबाद रहो, ऐसी औलाद भगवान सबको दे, और तुम दोनों को भी लगातार हर साल तुम जैसी औलाद देता रहे। बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल गया तो सब कुछ मिल गया। भगवान करे आपका साया हम दोनों पर हमेशा बना रहे। अब गैर तेरे लिए बुजुर्ग हो गए और हम सब लोग तेरे लिए मर गए। त्योहार के दिन गैरों के लिए कपड़े मंगवाए तो इन्हें कैसे भूल गया? मेरे पास कारून का खजाना रखा है क्या, जो सारी दुनिया के लिए कपड़े खरीदता फिरूं?
डैडी तुमने दिवाली पर सबके लिए कपड़े लाए, तुलसी माँ के लिए क्यों नहीं लाए? कहाँ से लाऊं? मेरे पास कोई कानून का खजाना रखा है क्या जो सारी दुनिया के लिए कपड़े खरीदता फिरूं? क्या करत है तेरे बाप का माल है क्या? उठा दे और खूब साफ कर, उठा दे कि नहीं? ए सासू जी, तू भी जरा जल्दी जल्दी हाथ चला, नहीं तो खाना कब पकाएगी? बाबू महंगा है भैया रुपया, सुनो ना महंगा ना चांदी महंगा। मार डाला, मार डाला रे, मुझे मार डाला। बातों से नहीं मानते, लातों की भूत बातों से नहीं।
आराम करने दीजिए। हाँ, अगर आप चाहें तो नर्स को मैं यहीं छोड़ दूं। जी हाँ, इनकी देखभाल के लिए नर्स का होना जरूरी है। अच्छा तो मैं चलता हूँ। एक हसन, ये का तमाशा फैला रखा है? ये हमार घर है या सरकारी अस्पताल? ले जाके बाहर तबेले में डाल दो। क्या मेरा बेटा तबेले में रहेगा? और नहीं तो का, इसमें हरजी का है? हमरे मेल मुकालाते आएंगे तो बैठेंगे कहाँ तोरे सर पर? ए कसम, मुंह का देखा थो, उठा के बाहर फेंका। मैं अपने हाथों से अपने बाप को कैसे फेंका? ना ही फेंक सकत हो तो भाड़े के आदमी बुलवाई दूं। अरे तेरा कमर खाक में मिल जाएगा, एक बीमार को फिकवाने के लिए कहती है। देखिए, मरीज को हिलाना जुलाना ठीक नहीं है, ऐसा करने से इनकी तबीयत और खराब हो सकती है। मामी जी, चलो इन्हें अंदर ले चलते हैं। ये यहाँ से ना ही हिलेगा, नर्स की बात हमें मंजूर है। चल दोनों दफा हो जाए यहाँ से, चल चल। ये क्या, तुम लता के जेवर चोरी कर रही हो? उसे पता चलेगा तो कितना दुख होगा। हम क्या उससे कम दुखी है? मौके से फायदा उठाना सीखो। कुछ दिनों के बाद लता और किशोर को भी इस घर से बाहर निकाल दिया जाएगा, उनके साथ हमें भी दर दर की ठोकरें खानी पड़ेंगी। पहले से इंतजाम करके रखेंगे तो वक्त पड़ने पर भाग तो सकेंगे। रही लता की बात, उसे खुद अपना सोचने दो। ये सब ले जाकर मैं अपने भाई के पास रख दूंगी। गलत, बिल्कुल गलत। मामी जी ठीक कहती हैं। आप लोग जरूर अपना भला सोचिए, वक्त पर तो साहब भी अपना साथ छोड़ देता है। जब औलाद ही हमारी नहीं रही तो आप लोगों से क्या शिकवा? ऐसी बात नहीं बेटी, ये सब मैं तुम्हारे लिए कर रही हूँ। घर के हालात तो तुम्हें पता ही है, पता नहीं कब खाली हाथ निकली जाओ। इसलिए मैंने सोचा ये जेवर मैं अपने भाई के पास रख दूँ, वक्त पड़ने पर तुम्हारे ही काम आ जाएंगे। मैं सच कह रही हूँ बेटी, भगवान गवाह है। हे भगवान! तुम चुप रहो जी, चलो इसे रख दे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये तुम्हारे भाई के बाप का माल है। हाँ? बेटा। बेटा? कौन बेटा, कैसा बेटा? तुम लोग इंसान नहीं शैतान हो। जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। गेट आउट। अरे ले जाए इसे, गेट आउट इसे। इतनी आसानी से तुम लोग यहाँ से नहीं जा सकते। इस गजड़ी में क्या है, चल खोल इसे। खोलने कहती हूँ। अच्छा तो ये बात है, जब से तुम दोनों इस कमरे में घुसे हो तब से मेरी नजर तुम पर है। चल निकल यहाँ से। रवि बेटा, हमें इस तरह घर से बेघर मत करो, मैंने तुम्हें इस गोदी में खिलाया है। गोदी में खिलाया तो दिन में तीन तीन बार रोटी भी तो तोड़ती है, खाए खाए के चर्बी की तय चढ़ा ली है। खबरदार दो इस घर की किसी भी चीज को हाथ लगाया, चोटी खाएगी। चल निकल। तूने अपने साथ मेरा भी मुंह काला करवाया। चल खासा, चल चल चल। खासा, अपने बाप को ले जाके तबेले में फेंकाओ और अपनी माँ को धक्के मार के इस घर से बाहर निकाल दो। अब मैं इसकी सूरत एक क्षण भी नहीं देखना चाहती, समझे? अरे मुंह क्या देख रही है? उठ! रवि बेटा, मुझे घर पे रहने दो, बस निकलो रवि। मैं कहता हूँ निकल यहाँ से, समझ में नहीं आता। नहीं चल, मुझ पे दया करो। हाँ अभी दया करता हूँ। भगवान के लिए मुझ पे दया करो। चल बेटा, मुझ पे दया करो। जल्दी घर से बाहर मत निकलो। रवि, रवि। बहन जी, बहन जी, मैं दो दिन से भूखी हूँ, भगवान के नाम पर कुछ खाने के लिए दे दो। चल चल, कोई और घर देख, इतनी हट्टी कट्टी होके भीख मांगती है। मुझ पर दया करो बहन जी, मैं बहुत भूखी हूँ, कुछ दे दो। तू ऐसे नहीं मानेगी। टाइगर, अरे भगिया से जाती है कि नहीं जाती? पता नहीं कहाँ से चली जाती है सारी कहीं की। अरे जाती है कि नहीं जाती? अरे
ठानी तुम भूखी है ले खा ले। अरे रोटी क्यों है ले खा, दर्दी क्यों है खा ले, बुझा ले पेट की आग। ये शन्नो कौन है, आप किसे बुला रहे हैं? शन्नो? नहीं, मैं नहीं जानता। तुम ना ही जानत हो तो इसे देखकर घबरा का है गे? मुझे देखकर शायद इन्हें मेरी माँ याद आ गई। माँ? तुम्हारी माँ? हाँ, मैं उसी शन्नो की बेटी हूँ जिसे आपने अपनी काम वासना का शिकार बनाया। क्या ये सच है कि तुम? झूठ बोलना, दुनिया को धोखा देना, ये हमने नहीं सीखा, ये आप ही का काम है। मेरी माँ आपके झूठे वादों का शिकार बन गई, दादा दादी के मौत के जिम्मेदार भी आप ही हैं। दादा दादी? तुम्हारे दादा दादी कौन थे? जिनका नाम लेते हुए इन दोनों को शर्म आती है, पूछो इनसे कि तुलसी माँ और दीनानाथ जी कौन थे। क्या तुलसी माँ मेरी दादी और दीनानाथ जी मेरे दादा? डैडी, डैडी आपने अपने माँ बाप के साथ ऐसा सलूक किया, अपनी बूढ़ी माँ को अपने ही घर में नौकरानी बनाकर रखा और अपने बूढ़े बाप को दर दर की ठोकरें खाने के बाहर सड़क पर छोड़ दिया। आपके सीने में दिल है या पत्थर, आप इंसान नहीं जानवर है। आपने उस मां को तड़पा तड़पा कर मारा है जिसने आपको जन्म दिया था। भगवान आपको कभी माफ नहीं करेंगे डैडी, आपकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। तुम ठीक कहते हो बेटा, मेरे गुनाह इस काबिल नहीं कि जिन्हें माफ किया जा सके। अब तो जीवन भर इस पश्चाताप की आग में जलने से तुम ही मुझे बचा सकते हो। बेटा मुझे जहर का प्याला दे दो ताकि मुझ जैसे पापी से इस धरती का बोझ हल्का हो जाए। ऐसा मत कहो किशोर, सारा कसूर तो मेरा है। मैंने गरीबों से नफरत की जिसकी वजह से तुम्हें अपने माँ बाप से छीन कर उनकी बर्बादी का कारण बनी। तुम्हारी पत्नी होते हुए भी तुम्हें पत्नी का सुख नहीं दे सकी, पत्नी की जगह उसके पति के कदमों में होती है, लेकिन उल्टा मैंने तुम्हें अपने कदमों में रखने की कोशिश की। हो सके तो मुझे माफ करना किशोर, माफ करना। अब तुम अपने बेटे और बहू के साथ सुख और शांति से रह सको, इसलिए मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। अपनी मनुसूरत तुम्हें कभी नहीं दिखाऊंगी, कभी नहीं दिखाऊंगी। तुम अकेली नहीं जाओगी, आज मुझे एहसास हो गया है कि जीवन की इमारत अगर झूठ की बुनियाद पर खड़ी हो तो कभी कायम नहीं रह सकती। दादा, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं। रवि बेटे, हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं, भगवान तुम दोनों को सुखी रखे। और लता, हेलो, मुझे यकीन था कि मेरी रकम दिए बगैर तुम एक दिन जरूर भागोगे, लेकिन किशोर बाबू मेरा पैसा इतनी आसानी से हजम होने वाला नहीं। जेल में चक्की ना पिसवाई तो नाम आत्माराम नहीं। आइए इंस्पेक्टर साहब, और लगाइए इनको हथकड़ी। आप दोनों के नाम गिरफ्तारी का वारंट है। गिरफ्तारी का वारंट? दरोगा, चुनावा सिंह के समधी को हथकड़ी नहीं लगेगी। बापू लगने देना हथकड़ी, तेरा क्या जावे है? अबे बंद मुट्ठी लाख की खुल जावे तो खाक की। चुनावा सिंह का समधी जेल चला गया तो मेरी मेरी इज्जत का जुलूस निकल जाएगा। अबे जवे राजा, उतार दे कर जा। मैं एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। हा हा हा, तू भी अपने बाप की तरह कमीना हो गया।
ठीक है, जो रावर सिंह कोई भिखारी नहीं बा। अबे समझी, तेरा कर्जा का इंतजाम मैं करता हूँ, तेरा वकील कौन बा? सुनिए जी, इनके वकील हैं मशहूर बैरिस्टर बलदेव राज जी। वो कौन बा उल्लू का पट्टा? मैं बताऊं बापू? है तू चुप कर, याद आ गया, मैं जब दारू पीकर धमाल करते हुए जेल गया था तो उसने जमानत पर मुझे छुड़ाया था। क्या चल मेरे साथ? ए, वकील साहब, अबे वकील साहब, अरे तू हाई है, फैसला करो। शराब क्यों चिल्लाते हो? वकील साहब अंदर काम कर रहे हैं, आपको जो भी कहना है यही से कहिए। जी, अबे वकील साहब, क्या जोरावर सिंह फांसी वाला की फरियाद सुन रहे हो? सरकार का इकबाल बुलंद हो। ए, सुनो सरकार, फैसला करो, क्या जवान होने पर बेटे का फर्ज नहीं होता कि अपने माँ बाप का कर्जा उतारे? लेकिन हमारे जावई रवि सारी जायदाद का मालिक होते हुए भी अपने माँ बाप का कर्जा ना ही उतार रहा, ये का अंधेर बा मालिक? बरसे साहब, इन बेचारों ने कितनी उम्मीदों के साथ उस नालायक को पाल पोस कर बड़ा किया। अरे आत्मा राम जी, पाल पोस कर बड़ा किया इसलिए माँ को माँ और बाप को बाप कहता हूँ। अबे माँ बाप को सिर्फ माँ बाप कहना ही काफी है। दुनिया में न जाने ऐसी कितनी बदनसीब माएं हैं जो माँ होते हुए भी अपनी औलाद के मुंह से माँ का शब्द सुनने के लिए तरसती। मेरी अपनी दादी अपने ही बेटे के घर में 15 साल तक नौकरानी बंद कर रही, और इन 15 सालों में मेरे बाप के मुंह से एक बार भी ये नहीं निकल सका ये नौकरानी मेरी माँ है। ये तुम्हारा जाती मामला है, मुझे ये बताओ कि मेरा कर्ज कौन अदा करेगा? ठहरो, कितना करता है? 2,20,000 रुपए। ये लीजिए, पूरा 2,20,000 साहब ने भेजा है। धन्यवाद। चलिए इंस्पेक्टर साहब। अल्फियो राजी, क्यों इतना बड़ा एहसान किया आपने हम पर, जबकि हमारी अपनी औलाद हमें जेल भिजवाना चाहती थी? आपने क्यों छुड़वाया हमें, क्यों दया की हम पर? क्योंकि अपनी औलाद के मोहब्बत को दिल से नहीं मिटा सका। कौन बाप अपने बेटे को जेल जाते देख सकता है? हालांकि तुमने अपने माँ बाप को बहुत तड़पाया है, और वो तड़प मैं अब तक महसूस कर रहा हूं, फिर भी मैं नहीं चाहता कि एक और बाप यानी कि तुम मेरी तरह तड़पो। पिताजी। कौन पिताजी? जिस दिन तुमने भरी सभा में अपने बाप को पहचानने से इनकार कर दिया था उसी दिन तुम्हारा बाप मर गया था। जिस दिन तुमने अपनी माँ को घर में नौकरानी बनाकर रखा उसी दिन तुम्हारी माँ मर गई, और जिस दिन माँ के मरने की खबर सुनने के बाद भी तुम चिता पे अग्नि देने नहीं आए उस दिन हमारा एक लौता बेटा भी मर गया। पिताजी, मैंने आपके साथ और माँ के साथ जो सलूक किया, भगवान उसका बदला आज हमारी औलाद से दिलवा रहे हैं। आज मैं अनुभव कर चुका हूं कि मैं कितना बड़ा पापी हूं। मैं हाथ जोड़ता हूं पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। जो तुम्हें माफ कर सकते थे वो दोनों इस दुनिया से चले गए। मैं भी जाना चाहता था लेकिन भगवान को मंजूर नहीं था। गाड़ी के नीचे आने के बाद जब मुझे होश आया तो मेरी आंखों के सामने था मेरा ये बेटा, मेरा श्रवण, और साथ में थे ये देवता स्वरूप इंसान जिन्होंने मुझे जीने का साहस ही नहीं दिया बल्कि मेरी आंखों की खोई हुई रोशनी भी वापस दिलाई। और ये न तुम्हारे पैसे से हुआ और न तुम्हारे पैसे से। पिताजी, सास ससुर माता पिता के समान होते हैं, आप तो हमारे बुजुर्ग हैं। अगर आज आप भी हमसे नफरत करेंगे तो हम कहां जाएंगे? क्या होगा हमारा, क्या होगा? बेटी, इस चार दीवारी में नफरत नहीं मोहब्बत बसती है। अगर ये सब तुमसे नफरत करते तो वो ना करते जो इन्होंने किया, और इन्होंने जो कुछ किया तुम दोनों की आंखें खोलने के लिए किया। जानते हो जोरावर सिंह फांसी वाला कौन है? ये हमारे बैरिस्टर साहब बलदेव राज जी हैं, और ये बिजली जो तुम्हारे घर बहू बन कर गई थी, ये जाहिल और गंवार लड़की नहीं है, ये बैरिस्टर साहब की लड़की है सरिता,
जो रवि के साथ डॉक्टरी पढ़ती है। मैं आप दोनों से क्षमा चाहती हूँ, लेकिन मैंने जो कुछ भी किया है एक नेक काम के लिए किया है, जिसके लिए हद से बढ़कर कभी कभी मैंने वो भी किया है जो किसी भी लड़की को बहू बनने के बाद नहीं करना चाहिए। माँ, मैंने जब जब तुम्हारी मुखालिफत की है, तुम्हें तड़पाया, सताया है, भगवान ही जानता मेरा दिल खून के आंसू रहा है। माँ, रवि मेरे बेटे, बेटा। डैडी, किसी बेटे को यह हक नहीं है कि वो अपने माँ बाप के साथ ऐसा सलूक करे जो मैंने आप लोगों के साथ किया। मेरे बेटे, बेटे, सही रास्ता तो तुमने हमें दिखाया है। माँ, मुझे कोई जायदाद नहीं चाहिए, आप मालकिन हैं, मेरी जगह तो आपके और डैडी के चरणों में, लीजिए जायदाद आपकी है। बेटा, माँ बाप की जायदाद तो उनकी औलाद होती है, हमारी जायदाद तुम हो, पार्वती है। अच्छा, ये नक्शे है जवानी के, क्या बात कही, भगवान ऐसी औलाद सबको दें जो अपने माँ बाप की सेवा करे। क्यों? Don't tell me. क्योंकि सेवा से ही मेवा मिलता है। हाँ, जहां तक मेवा मिलने का सवाल है, अगर दीनना जी की इच्छा हो तो हम दोनों को मेवा मिल सकता है। पर सर, मैं समझा नहीं, आप Don't tell me. जोरावर सिंह फांसी वाला चाहता है कि सरिता सचमुच आपकी बहू बनकर आपके घर जाए और पार्वती मेरी बहू बनकर मेरे घर आए। कन्यादान महाकल्याण।